दोस्तों, क्या आपने सोचा कि हर कोई खुद का बिजनेस क्यों कर रहा है? यंग जनरेशन बिजनेस की तरफ क्यों बढ़ रही है? जॉब में रुझान कम क्यों हो गया है? क्या आपने सोचा कि सब कुछ डिजिटलाइज क्यों होता जा रहा है? क्योंकि जमाना ही ऑनलाइन का है, आप और हम डिजिटलाइज हो गए हैं और इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया है एडटेक इंडस्ट्री ने, एडटेक बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा सेक्टर जहां पर संभावनाएं अपार है। एक आंकड़ा कहता है कि सन 2022 के अंदर एडटेक इंडस्ट्री का वैल्यूएशन था 106.46 बिलियन डॉलर, जो कि बढ़कर सन 2025 में हो जाएगा 404 बिलियन डॉलर, यानी कि 4 साल में 4 गुना मुनाफा और 8 साल में 8 गुना मुनाफा। आप खुद का एडटेक इंडस्ट्री में बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी अनुपात में आप बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी ज्यादा नहीं है तो आप कम इन्वेस्टमेंट करके भी खुद का एडटेक बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। हिंदुस्तान पूरे विश्व का एडटेक बिजनेस में एक हब है, एक कैपिटल है। एडटेक इंडस्ट्री दूसरे सभी सेक्टर से सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, और ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी लोग इससे कमा रहे हैं। हजारों से करोड़ों की तादाद में लोग इसमें काम कर रहे हैं और रेगुलर बने हुए और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि एडटेक इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश कैसे हो, कैसे इसमें कदम रखें, कहां से गाइडेंस मिलेगा? तो सवाल का जवाब आसान है, जी हाँ, बैगलेस इंडिया, जो आपको देता है लाइफटाइम CRM सपोर्ट, टेक्निकल असिस्टेंस, रेगुलर ट्रेनिंग, वेबिनार एंड सेमिनार ऑप्शंस, रेगुलर ट्रेनिंग बाय मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, फ्रेंचाइज ऑप्शन विद लीगल सर्टिफिकेशन एंड एफिडेविट, ऑथराइज्ड बिजनेस पार्टनर सर्टिफिकेशन। इसके साथ ही साथ आपको मिलेगा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, लाइफटाइम फ्रेंचाइज वर्किंग राइट्स, इसके साथ ही साथ कमीशन मार्जिन अप टू 70%, अप टू 21% रेफरल अर्निंग और भी बहुत कुछ। तो आज ही जुड़िए इस अपॉर्चुनिटी से और अपने सपनों को साकार कीजिए बैगलेस इंडिया के साथ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम रितेश गोकुल चंडांगी, मैं प्रॉपर चांदवड़ डिस्ट्रिक्ट नासिक से हूँ, एज ई कंसल्टेंट, जिसमें कि हम एज अ मेमोरी ट्रेनर और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हम टैक्सवे ग्रुप का एक बैगलेस इंडिया करके जो एक ब्रांड है उसके साथ में आज जुड़े, जिसमें हमें मेमोरी का यूज किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसका एक डेमो और वैरायटी ऑफ जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत सी चीज़ें भूलते हैं, उसे याद किस तरीके से किया जाए। हिस्टोरिकल डेट है, 1000 साल का जो हमारा कैलेंडर है वो है, डेली रूटीन की बहुत सी चीज़ें जो हम बार बार भूल जाते हैं उसे याद किस तरीके से किया जाए, ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स आज हमें इस वर्कशॉप के माध्यम से पता चली। मैं जो जुड़ा इस फील्ड में नरेंद्र सर के माध्यम से जुड़ा, और मैं चाहता हूँ कि इससे हम हमारे ओर से ज़्यादा लोगों तक हम इसको पहुँचाए, और हमारे एरिया में भी जो आज एक सोशल इशू ये चीज़ का बन चुका है, जो हम बच्चों में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसको हम जल्दी से जल्दी किस तरीके से दूर कर पाएंगे इसकी ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। My name is Prachi Rustagi. I am from Bikaner. I am by profession a chartered accountant. Bagless से हम जुड़े through नरेंद्र सर, नरेंद्र सिंह हैं यहाँ पे, उन्होंने हमें पूरा बैगलेस का कॉन्सेप्ट समझाया, जो निमोनिक्स का कॉन्सेप्ट है बेसिकली मेमोरी साइंस का वो बताया, एंड वी रियलाइज दैट सिंस माय फैमिली इज़ इन एजुकेशन बिजनेस, सो वी रियलाइज दैट स्टूडेंट्स के लिए ये निमोनिक्स का मेथड या मेमोरी ऑफ मेमोरी साइंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो उनको बहुत हेल्प कर सकती है टू गेन गुड मार्क्स, टू लर्न थिंग्स एंड टू अंडरस्टैंड देम, टू इंक्रीज देयर इमेजिनेशन, टू इंक्रीज देयर एसोसिएशन, एंड it will also help in their brain development. So as a human being, they can have a sense of imagination in everything they do. So I think this memory science, the concept of memory science as a whole is a great concept that can be implemented, incorporated in the education business, and we have taken it as a e-consultant franchise, and we would like to teach the students as trainers and develop the business. And now talking about Bagless, which is a part of Taxway. So Taxway Group has been a really good association with Taxway Group has been really good. Hamare yahan pe jo bhi hamara welcome tha ya jo हमारा पूरा दो दिन का ट्रेनिंग था, हमारे जो मेंटर्स थे यहाँ पे, दे वर वेरी हेल्पफुल।
इस एज में भी आके अगर हमें वो इतना कुछ विजुअलाइज करा पाए, एज अ स्टूडेंट हमें पढ़ा पाए, सो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. सो द ट्रेनर्स वर रियली गुड, एक्सप्रेसिव, आई वुड लाइक टू ऐड, बहुत एक्सप्रेसिव हैं. हमारी इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन को आई थिंक दो दिन में उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है एंड इम्प्रूव किया है. सो इट हैज़ बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई लुक फॉरवर्ड कि हम लोग इसको किस तरीके से स्टूडेंट्स के पास तक प्रॉपरली पहुंचा पाएं एंड मैक्सिमम बेनिफिट स्टूडेंट्स को दे पाएं. थैंक यू. चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आज के बिजनेस मीट के अंदर. मैं हूं आज आपका होस्ट नरेंद्र सिंह. और कहीं ना कहीं ये मेमोरी साइंस का कॉन्सेप्ट है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के बीच में यहाँ लेके आया हूँ. कहीं ना कहीं हम आज के सेशन में जानेंगे कि मेमोरी साइंस क्या है और कहीं ना कहीं इसका बिजनेस करके आप खुद के लिए कैसे एक नोबल बिजनेस सेटअप कर पाएंगे, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के सेशन में आपको प्रोवाइड करूंगा. और दोस्तों यहाँ हम जानेंगे कि बच्चों के एजुकेशन के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है और कैसे आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे के कहीं ना कहीं खुद के लिए एक सोशल वर्क तो कर रहे हैं, ये समाज के लिए एक सोशल वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन उस सोशल वर्क के साथ साथ अगर आपके पास में एम फॉर मनी भी आए तो आपका नुकसान तो नहीं है, कहीं ना कहीं उसके अंदर आपके काफी अच्छा फायदा होने वाला. तो दोस्तों आज का जो सेशन रहने वाला, थोड़ा सा उसका ब्रीफ मैं आपको देना चाहूंगा. आज हम पांच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करेंगे. पहला जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है मैं कौन हूं, साथ ही हमारी जो कंपनी है जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप जुड़ने जा रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन है, इट मींस टैक्सवे ग्रुप क्या है, उस कंपनी के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा. सेकंड जो टॉपिक आज रहने वाला है वो टॉपिक है दोस्तों बच्चों की एजुकेशन के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे जानेंगे थर्ड सेशन के अंदर, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कैसे इन मेमोरी टेक्निक्स की हेल्प से कोई भी स्टूडेंट एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आता है, साथ ही जो भी टॉपिक वो याद करेगा उसको सिर्फ एग्जाम तक ही नहीं एग्जाम के बाद भी परमानेंट याद रहेगा. जैसे आपको जोनी जोनी यस पापा बचपन में पढ़ी थी बट आपको जिस तरह अभी याद है उसी तरह कैसे बच्चे हमारे टेक्निक्स के थ्रू लाइफ टाइम कंटेंट को याद रख पाएंगे वो आज के सेशन में आपको देने वाला हूं. चौथा जो टॉपिक रहेगा आज का वो टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल, कि आप कैसे हमारे साथ एसोसिएट होके हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर बन सकते हैं. बिकॉज हमारे पास दो तरह के लोग आज की मीटिंग में बैठे हैं. पहले पर्सन वो है जो डायरेक्ट एजुकेशन लाइन में जुड़े हैं, जिनका खुद का स्कूल हो सकता है, खुद का कोचिंग सेंटर हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं स्कूल या कोचिंग सेंटर होने के साथ साथ वो उनको पढ़ाने में इंटरेस्ट है. वो कहता है सर मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो उन लोगों के लिए एक मॉडल लेके आऊं ट्रेनर फ्रेंचाइजी, जहां पे हम आपको बनाते हैं मेमोरी ट्रेनर. अब मेमोरी ट्रेनर हम आपको कैसे बनाते हैं, उसके बाद आपका क्या रोल रहेगा वो मैं आपको फोर्थ टॉपिक में समझाऊंगा. उसी के साथ कहीं ना कहीं उसी के साथ मैं आपको उसी टॉपिक के अंदर एक चीज और क्लियर करूंगा, हमारा सेकंड फ्रेंचाइजी मॉडल. और सेकंड फ्रेंचाइजी मॉडल उन लोगों के लिए है बिकॉज आप में से काफी लोग ऐसे बैठे हैं जो कहते हैं सर मैं टीचिंग से जुड़ा हुआ तो हूं बट मैं बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता. मैं तो आपको बच्चे ला के दे सकता हूं, आप उन बच्चों को पढ़ाएं और कहीं ना कहीं उसके अंदर मुझे एक प्रॉफिट दे दीजिए. तो दोस्तों उन लोगों के लिए एक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल यहाँ लेके आऊं, बिकॉज कोविड ने हमें सिखाया है ऑफलाइन तो चलता रहेगा बट कोविड जैसी और भी कोई पैंडेमिक सिचुएशन आती है तब हमारे हाथ में कोई ना कोई ऑनलाइन बिजनेस भी रहना कंपलसरी है. तो दोस्तों उसी ऑनलाइन मॉडल के बारे में मैं वही चौथा जो मेरा टॉपिक रहेगा आज का उसके बारे में बताऊंगा कैसे आप हमारे या तो ट्रेनर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी बन सकते हैं. और सबसे एंड जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो टॉपिक रहेगा जो भी फ्रेंचाइजी मॉडल है उस फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में, क्या एक इन्वेस्टमेंट है. देखिए कोई भी बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं होता. कहीं ना कहीं आपने हमारे फेसबुक में एड भी देखा होगा तो एड के ऊपर भी आपने हमारा इन्वेस्टमेंट देखा होगा, साथ ही कहीं ना कहीं उस एड को दिखाने के लिए भी या फिर आपको यहां तक आज की मीटिंग में लाने के लिए भी हम लोगों ने जैसे इन्वेस्टमेंट किया है इस कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचाने में, सेम अगर आपको भी एक यूनिक बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा वो मैं आज को आपके पांचों टॉपिक में बताने वाला हूं. साथ ही सेशन के एंड के अंदर आपके जो भी बिजनेस करने के लिए अगर कोई डाउट कोई सवाल आज के सेशन के बारे में तो एंड के अंदर वो सभी सवाल मैं आपके यहाँ पे लूंगा. तो दोस्तों ये पूरा सेशन जो रहने वाला है वो एक घंटे का रहेगा. अभी हो रहा 6:11, 7:11 के अंदर इस कंप्लीट सेशन को मैं खत्म करूंगा और कहीं ना कहीं जो भी आपके डाउट्स उनको क्लियर करने के बाद एक आपके लिए एक सोशल और एक नोबल बिजनेस कैसे स्टार्ट करें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको. तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पीपीटी के माध्यम से.
कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो रहने वाला स्टूडेंट की लाइफ के अंदर, राइट। तो स्टूडेंट की प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा, उसकी लाइफ में जो मेन प्रॉब्लम उसके बारे में बताऊंगा, और कहीं ना कहीं उससे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जर्नी मेरे बारे में कि आज का जो होस्ट है मैं आपके सामने जो बैठा हूँ मेरे बारे में। कहीं नहीं सर दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और मैं अजमेर से बिलोंग करता हूँ, अजमेर राजस्थान में हमारा हेड ऑफिस है। और कहीं ना कहीं ये जो मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, इस मेमोरी का कॉन्सेप्ट को मैं पिछले 5 साल से रन कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं 8 साल का एक्सपीरियंस है मुझे सेल्स इंडस्ट्री के अंदर। कहीं ना कहीं इसी जो कॉन्सेप्ट मेमोरी साइंस का, बच्चों की मेमोरी टेक्निक्स के ऊपर जो हम लोग काम कर रहे हैं, इसको मैंने काफी सारे रिकॉर्ड दिलाए, कहीं ना कहीं मैंने इसको गिनीज रिकॉर्ड भी दिलाया है, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, इंडिया ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, ऐसे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को मैंने कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स के भी रिकॉर्ड इस कॉन्सेप्ट को लेके मैंने कराए हैं। कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को लेके मैं कम से कम 50 लाख बच्चों तक ऑनलाइन या ऑफलाइन सेमिनार या वेबिनार के माध्यम से, हमारी कंपनी के माध्यम से मैं अभी तक पहुंचा पाया हूं। और कहीं ना कहीं पूरे पैन इंडिया तक अभी तक मुझे 4000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी ओपन कराने का भी एक्सपीरियंस है। दोस्तों कैसे आप उस फ्रेंचाइजी, इट मीन जो बाकी लोग हमारे लिए सक्सेसफुल काम कर रहे हैं, आप भी कैसे हमारे साथ एसोसिएट होके खुद के लिए एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर पाएंगे, तो आज के सेशन में मैं आपका होस्ट नरेंद्र सिंह आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूं। दोस्तों सेकंड जो टॉपिक मेरा था कहीं ना कहीं कंपनी के बारे में, टेक्सो ग्रुप हमारी कंपनी का नाम है जिसका हेड ऑफिस अजमेर राजस्थान में एस्टैब्लिश है। और कहीं ना कहीं मैं टेक्सो ग्रुप की बात करता हूं तो ये 2002 से कंपनी काम कर रही है, कहीं ना कहीं 15 साल का एक्सपीरियंस है इसको फ्रेंचाइजी नेटवर्क के अंदर। कहीं ना कहीं हमारा टोटल 9000 से ज्यादा अभी तक पूरे पैन इंडिया में हम लोग फ्रेंचाइजी दे चुके हैं। और कहीं ना कहीं सिर्फ ये मेमोरी साइंस की फ्रेंचाइजी की बात नहीं कर रहा हूं, ये हम लोग कंप्लीट 15+ फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। मेमोरी साइंस तो एक पार्ट है, लेकिन मेमोरी साइंस के अलावा भी और भी 14 अदर सेक्टर्स के अंदर हमारी कंपनी डील करती है। कहीं ना कहीं टैक्सेस जो ग्रुप है, कहीं ना कहीं इनकम टैक्स की ईआरआई कंपनी है, और हर साल कम से कम 10 लाख से ज्यादा लोगों की आईटीआर फाइल करने का भी उसका रिकॉर्ड है। तो कहीं ना टैक्सेशन के जो प्राइम काम है उससे स्टार्ट करने के साथ साथ कंपनी और भी फील्ड में काम करती है। सीईओ मिस्टर निरंजन महावर सर जो अजमेर से बिलोंग करते हैं, उनको भी मल्टीपल रिकॉर्ड्स, कहीं ना एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का भी खिताब इनको अपने आप में करा था। और साथ ही ये है दोस्तों वो वेंचर्स, वो मॉडल जो टेक्सो ग्रुप आप एक छत के नीचे चला रही है, हम लोग फाइनेंस में भी काम करते हैं, मीडिया के अंदर भी काम करते हैं, एजुकेशन के अंदर हम प्ले स्कूल भी रन करते हैं। जैसे आप में से किसी को लगता है सर मुझे तो प्ले स्कूल खोलना है, हम लोग प्ले स्कूल भी ओपन करा के देते हैं। उसमें ऑलरेडी 120 से ज्यादा स्कूल हमारे पूरे पैन इंडिया में चल रही है। किड्डू करके हमारा ब्रांड है, KIDDOO, किड्डू करके हमारा प्ले स्कूल का ब्रांड है, टैक्सवे एचयू करके हमारा कॉलेज का सेगमेंट भी चलता है, मेमोरी साइंस जिसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग लेने भी आए हैं, टैक्सवे टाइम्स दोस्तों हमारा एक न्यूज़पेपर भी है जो कि मंथली बेसिस पे आता है, साथ ही लास्का करके हमारा एक सैलून का सेगमेंट भी चलता है, और कहीं ना कहीं मुड्डा क्लब करके फूड का भी एक कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे वेंचर्स मिला के 15 से ज्यादा फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर ये कंपनी काम कर रही है। कहीं ना कहीं जब आपने स्टार्टिंग में वीडियो भी देखा होगा टैक्सवे इंफ्रा के बारे में, और या फिर आप गूगल मैप पे भी सर्च करेंगे टैक्सवे ग्रुप, वहां पे आपको ये सारा सेटअप आपको अजमेर में मिल जाता है। बिकॉज हमने पूरा एक जो सेटअप कर रखा ऑफिस का अजमेर के अंदर, 3000 स्क्वायर फीट में हमारा ऑफिस है। जब हमारी टीम से एक वीडियो कॉल भी करेंगे तो वीडियो कॉल के अंदर आपको हमारा पूरा ऑफिस विजिट करने के अंदर भी कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे खुद के होटल से, खुद के रेस्टोरेंट, कभी भी आप अजमेर आते हैं चाहे ट्रेनिंग लेने के लिए आए या फिर आप मुलाकात करने के लिए आते हैं, ये सारा इंफ्रा भी आपको दिखता है, पूरा अरेंजमेंट आपको हमारी तरफ से यहाँ दिया जाता है। तो दोस्तों ये था टैक्सवे ग्रुप के बारे में। हर साल हम कोई ना कोई इवेंट टैक्सवे में ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हम किसी न किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को अजमेर के अंदर ऑफिस में इन्वाइट करते हैं, हमारे प्रोग्राम के अंदर इन्वाइट करते हैं। तो दोस्तों ये इंट्रोडक्शन था हमारी कंपनी के बारे में। देखिए अगर हम कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड, जो कंपनी का बैकग्राउंड है वो जरूर चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो टैक्सवे ग्रुप है उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। चीजें आपको मैंने थोड़ी बेसिक इंट्रोडक्शन दी, बाकी आप गूगल पे लिखेंगे टैक्सवे ग्रुप तो कहीं ना कहीं और भी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिलने वाली है। दोस्तों तो ये इंट्रोडक्शन था टैक्सवे ग्रुप का। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। आज का जो बिजनेस मॉडल है वो बच्चों के लाइफ के ऊपर है, एक सोशल वर्क है। अब कैसे उसको जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा पहले बच्चों की लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए एक स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई के रिगार्डिंग ये 4 इंपॉर्टेंट काम करता है। इसको सिंपल शब्दों में समझाऊं, एजुकेशन की गाड़ी के जैसे एक गाड़ी के 4 टायर होते हैं, कार के 4 टायर होते हैं, और उस कार को अगर हमें प्रॉपर चलाना है तो चारों टायर प्रॉपर होने चाहिए, चारों टायर में हवा बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर उस कार का एक भी टायर पंचर हुआ तो मेरे ख्याल से वो गाड़ी मंजिल पे तो नहीं पहुंचेगी, वो गाड़ी पहुंचेगी गैराज के अंदर। तो दोस्तों इसी उदाहरण को अगर मैं बच्चे की एजुकेशन लाइफ के ऊपर अप्लाई करूं तो यहाँ पे बच्चे की पढ़ाई का जो टायर वो पंचर है। कैसे दोस्तों, उसको समझने के लिए 4 डायमेंशन मैंने आपको बताया था, रीडिंग, राइटिंग,
अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन, जिसमें से बच्चों को रीडिंग करना भी इंडिया में सिखाया जाता है। वो रीडिंग करना बच्चे एक बार सीख ले वो लाइफ में कभी नहीं भूल पाता। सेम बच्चे के राइटिंग के ऊपर भी हम बच्चों की हेल्प करते हैं कि बच्चों कैसे लिखना है, लिखना बच्चा एक बार सीख लेता वो लाइफ में उस टॉपिक को वापस नहीं भूलता। मैं थर्ड टॉपिक की बात करता हूँ, वो थर्ड टॉपिक है बच्चे का अंडरस्टैंडिंग। इट मीन्स बच्चों को एक टॉपिक अगर एक बार समझा दे और टॉपिक बच्चों को स्कूल में समझ में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं उस टॉपिक को समझने के लिए वो ट्यूशन जाता है। ट्यूशन में भी समझ में नहीं आ रहा वो गूगल पे सर्च कर सकता है बायजूस वेदांतु या अपने फ्रेंड से भी उस टॉपिक के बारे में और अच्छे से समझ सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे मेन समस्या है वो समस्या इस फोर्थ और ये चौथे टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है दोस्तों बच्चे का मेमोराइजेशन वाला पार्ट। इट मीन्स बच्चों को जो याद करने के लिए जो हम टॉपिक देते हैं उसके लिए बच्चे की कोई हेल्प नहीं कर पाते, सिर्फ बच्चों को खुद के ऊपर छोड़ दिया जाता है या सेल्फ स्टडी करने के लिए बोला जाता है। या फिर दोस्तों एक 500 साल पुराना तरीका, एक 500 साल पुराना तरीका जो कहने का हमारे पेरेंट्स ने अप्लाई किया था, आप लोगों ने या मैंने अप्लाई किया था, कहने अभी भी बच्चों को वही 500 साल पुराना तरीका दिया जाता है और वो तरीका है रोटिंग। इट मींस रट्टा मार मार के हम चीजों को याद करने के लिए बोलते हैं। कहने का मेरी बात से आप बिल्कुल सहमत होंगे, हर टॉपिक्स को कहीं जब आप पढ़ते तब भी इसी तरीके से चीजों को याद करने की कोशिश करी होगी, अभी भी बच्चों को यही तरीका दिया जा रहा है किसी भी टॉपिक को याद करने का। तो दोस्तों रट्टा मारने के माइनस पॉइंट आप खुद सभी लोगों ने फेस किए होंगे, रट्टा मार के चीजें मेरी याद तो हो जाती है लेकिन वो टॉपिक्स हमें 2 दिन बाद 5 दिन बाद हमारे दिमाग से बिल्कुल डिलीट हो जाता है। 2-5 दिन बाद हम उसको वापस लेके बैठते हैं, 2-5 दिन बाद हमारा दिमाग उसको वापस भूल जाता है। तो दोस्तों ये एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बिकॉज रट्टा मार के बच्चा याद तो करता है लेकिन एग्जाम आते आते उसके पास कम से कम 800 से 1000 क्वेश्चन आंसर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अब एग्जाम टाइम में वापस उन 800 से 1000 क्वेश्चन को याद करने के लिए वो फिर से बैठता है तो उन सवाल्स को, इतने सारे सवाल्स को उस समय देख के बच्चा एग्जाम से दूर भागता है। काफी सारे बच्चे जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और आए दिन बच्चे इसी मेन एजुकेशन की प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि वो याद नहीं रख पाता और सही समय पर एग्जाम में जब बैठता है वही सवाल जब उसको याद नहीं आ पाता है तो बच्चा उस वजह से सुसाइड भी अटेम्प्ट करता है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार। तो दोस्तों ये है एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहा, ना तो कोई स्कूल काम कर रही है, ना कोई कोचिंग सेंटर काम कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस याद करने वाले पार्ट के ऊपर काम नहीं करी। तो जैसे मैंने आपको बताई पढ़ाई की गाड़ी के, या फिर कह सकते हैं एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, उसी तरह इस एजुकेशन की गाड़ी के भी 4 पहिए, चाहे पे 3 टायर तो बिल्कुल प्रॉपर है लेकिन 4th टायर बच्चों, दोस्तों ये बच्चों की गाड़ी का जो मिसिंग है। हमारा काम क्या है, इस 4th टायर को हवा भर के नहीं चला, बच्चा हवा भर के तो ऑलरेडी भी चला रट्टा मार के याद करता है, इट मीन्स हवा भर के वो टायर थोड़ी देर चलता है फिर हवा वापस निकल जाते। तो दोस्तों मेमोरी साइंस का जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी टेक्निक्स है, हमारा काम है उन टेक्निक्स के ऊपर बच्चे के माइंड को ट्रेनिंग देना। और कहीं ना अभी जो टेक्निक्स बच्चों को दी जा रही है वो एक कॉमन टॉप टेक्निक है, लेकिन एक ही टेक्निक के थ्रू बच्चा हर टॉपिक को याद करेगा तो कहीं ना कहीं वो जो टॉपिक है बिल्कुल वीक है, बच्चे का रिजल्ट तो बनना दूर की बात है, कहीं ना कहीं बच्चा कहीं ना कहीं इसी प्रॉब्लम की वजह से एग्जाम से दूर भागने लग जाता है। राइट, अभी अगर सपोज इसको एक उदाहरण के थ्रू मैं आपको और समझाऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू और समझाऊंगा, सपोज आपके घर के अंदर एसी खराब है, उस एसी को रिपेयर करने के लिए आप एक मैकेनिक को बुला के लेके आते हो और वो मैकेनिक आता तो है बट अपने साथ में एक टूल बॉक्स साथ में लेके आता है, राइट, और उस टूल बॉक्स के अंदर अलग अलग नंबर के स्क्रू ड्राइवर या टूल होंगे तभी वो मैकेनिक उस एसी को रिपेयर कर पाएगा। लेकिन दोस्तों अगर सपोज वो मैकेनिक अपना टूल बॉक्स लाना भूल जाए और सिर्फ उसकी जेब में एक ही टूल हो और उस एक ही टूल से उस इसको जो एसी था उसको सही करने की कोशिश करेगा तो आई थिंक वो एसी सही तो होगा नहीं और ज्यादा खराब हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन के लिए सिर्फ एक टूल दिया जा रहा है वो है रट्टा मारना। बच्चों पैराग्राफ याद करना है उसमें भी रट्टा मारो, हिस्ट्री की डेट्स याद करनी है उसमें भी रट्टा मारो, पॉइंट वाला आंसर उसमें भी रट्टा मारो, इट मींस हर चीज को याद करने का सिर्फ एक टूल दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो बच्चे की जो गाड़ी है वो सही तो होगी नहीं, वो कहीं ना गैराज में पहुंचने के चांस उसके ज्यादा है। तो दोस्तों इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं और वो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है न्यूमोनिक साइंस। अब न्यूमोनिक साइंस जैसे शब्द ही आपको अटपटा लग रहा होगा, कहीं ना कहीं न्यूमोनिक साइंस के ऊपर ऑलरेडी बीएड के अंदर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, ऑलरेडी पूरा एक चैप्टर है जहां पर न्यूमोनिक्स के थ्रू ही बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए बताया जाता है। लेकिन दोस्तों न्यूमोनिक्स का अगर सिंपल शब्दों में आपको डेफिनेशन दूं, न्यूमोनिक का मतलब होता है हमारे ह्यूमन माइंड को विजुअलाइज चीजें जल्दी पसंद है और कहीं ना कहीं बचपन से ही इसी न्यूमोनिक साइंस के थ्रू बच्चों के माइंड को तैयार किया जाता है कि वो पढ़ाई को कैसे करे।
कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा मेरी बात, क्योंकि बिकॉज देखिए मैं जितना एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा मेरी बात आपको सटीक समझ में आएगी। देखिए न्यूमोनिक्स के थ्रू बच्चों को बचपन से कैसे पढ़ाया जाता है, देखिए जब बच्चा नर्सरी क्लास में जाता है वो पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं जानता कि पढ़ाई होती क्या है। उसी समय टीचर्स कभी भी उसको ABCD नहीं सिखाती, उसको सिखाती है बच्चों ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। इट मीन्स ए के साथ में जब एप्पल को जोड़ा गया या बी के साथ में बॉल को जोड़ा गया तभी बच्चा उनको समझ पाया था कि ए फॉर एप्पल होता है, उस ए को अंडरस्टैंड कर पाया था, बी फॉर बॉल होता है, बॉल को देख के उसको बी समझ में आया था। उसी समय काउंटिंग कैसे याद करनी है, काउंटिंग को याद करने के लिए वन लिखा गया, वन के पास में कोई ऑब्जेक्ट को जोड़ा गया, टू को समझाने के लिए टू कोई भी ऑब्जेक्ट रखे गए थे। उसी तरह नंबर्स को कैसे याद करना है उसका अलग तरीका, स्टोरी को कैसे याद करना है, पैराग्राफ को कैसे याद, उसके लिए राइमिंग स्टोरीज पोएम्स उनको भी याद करने के लिए बोला गया था। इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको जोनी जोनी यस पापा इसलिए याद है बिकॉज बचपन में आपको जिस तरीके से पढ़ाया गया था वो था पिक्चराइजेशन। माइंड को पिक्चराइजेशन जल्दी पसंद होती है, जल्दी याद करके रखता है और लंबे टाइम तक। आपसे पूछूंगा शोले मूवी की मुझे स्टोरी बताओ, आप सभी लोगों ने आज के 10 साल पहले उस मूवी को देखी होगी या 15-20 साल पहले देखी होगी, लेकिन शोले मूवी जैसे मैं आपको दिखाने के लिए बैठूंगा उस मूवी की पूरी स्टोरी आगे से आगे के जो कैरेक्टर है क्या होने वाला है आपका माइंड अपने आप उन चीजों को वापस से रिकॉल करता जाएगा। तो दोस्तों इसी न्यूमोनिक साइंस के थ्रू होता क्या है, बचपन में तो हमें न्यूमोनिक साइंस के थ्रू पढ़ाया जाता, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया, लेकिन बड़ी क्लासेस के अंदर फर्स्ट सेकंड क्लास तक NCERT क्या करती है बच्चों के ये पिक्चराइजेशन के थ्रू ट्रेनिंग देती है, लेकिन सेकंड थर्ड क्लास के थ्रू बाद में बच्चा क्या करता है उसके बुक्स का जो सिलेबस है NCERT वहां पे पिक्चराइजेशन का पार्ट बिल्कुल कम कर देती है, वहां पे थ्योरेटिकल पार्ट को ज्यादा डाल देती है। उन थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर वहां पे स्टोरी तो नहीं आ रही, वहां पे राइमिंग तो नहीं आ रही, अब वहां पे क्या आ रही है, वहां पे आ रही जनरल साइंस, हिस्ट्री, फैक्ट्स, डायग्राम, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, डेफिनेशन, डेरिवेशन, वोकैबुलरी, मैप्स, गूगल कहने टेबल्स, फॉर्मूलास। अब दोस्तों इनको कैसे याद करें, ना या तो हमें किसी स्कूल ने सिखाया ना कोई कोचिंग सेंटर सिखाया, इन सबको याद करने का वही एक फॉर्मूला, रोटिंग 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 रट्टा मार के याद करना। तो दोस्तों ये सबसे वीक तरीका है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं क्योंकि हर साल देखिए हर साल बच्चे का सिलेबस जरूर चेंज होने वाला है, लेकिन सिलेबस में ये जो टॉपिक आपकी स्क्रीन के सामने 15-16 टॉपिक ये वही रहने वाले हैं। हर साल हिस्ट्री की डेट्स आएगी आएगी, हर साल लॉन्ग आंसर आएंगे शॉर्ट आंसर आएंगे आएंगे, डेफिनेशन डेरिवेशन ये भी हर साल बच्चों के आने वाली। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या कर रखा है, इन्हीं 15 से 16 जो टॉपिक्स है बच्चों के सिलेबस के अंदर, इन सभी टॉपिक्स को लेके हम लोगों ने निमोनिक साइंस के ऊपर टोटल 14 टेक्निक्स और उनकी 22 एप्लीकेशन को लेके एक सिलेबस तैयार कर रखा है। ये 14 ऐसे टेक्निक्स है जिनको सीखने के बाद बच्चा कोई भी टॉपिक्स को जल्दी याद होगा, उसको लंबे टाइम तक याद रहेगा। हम बच्चों को सिखा रहे बच्चों फोनेटिक मेथड्स के थ्रू कैसे आप पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं, किसी भी नंबर को पिक्चर में कैसे याद कर रहे हो उसका अलग तरीका है। बच्चों को राइम मेथड को थ्रू सिखा रहे बच्चों कोई भी पॉइंट वाला आंसर आ रहा है उसको आप पॉइंट वाले आंसर को जल्दी कैसे याद करोगे और एग्जाम तक नहीं एग्जाम के बाद भी कैसे याद रहेगा। तो कहने का हमारा काम क्या है, इन 14 टेक्निक्स के ऊपर बच्चे के माइंड को ट्रेनिंग देना। अब दोस्तों ये मेमोरी टेक्निक कैसे अप्लाई होती है, कैसे बुक्स में अप्लाई हो, कैसे हम मेमोरी, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं आपका मेमोरी डेवलप करने नहीं आया हूं, यहाँ पे इस मेमोरी का बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं, हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मेथड कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इसके लिए आपको हमारी सेल्स टीम से वीडियोस मांगने, ऑलरेडी कुछ वीडियोस आपको हमारी सेल्स टीम ने दिया होगा, गूगल ड्राइव के लिंक दिए होंगे या फिर बैगलेस इंडिया एप्लीकेशन जो हमारे है प्ले स्टोर के ऊपर, अगर आप उसको भी डाउनलोड कर लेते हैं वहां पे भी आपको ढेर सारे वीडियोस एग्जाम्पल के रूप में देखने को मिल जाएंगे कि कैसे एक बार किसी मेथड को बच्चों को सिखाते हैं और उन मेथड को अप्लाई करने के बाद बच्चा उस टॉपिक को, उन वीडियोस को अगर आप एक बार देखेंगे मैं डेफिनेटली आपसे गारंटी लेता हूं उन वीडियोस को देखने के बाद उस वीडियोस का 70% कंटेंट आपको एक बार में याद हो जाएगा। राइट, वो बायजूस भी नहीं करा रहा, वेदांतु भी नहीं करा रहा, बायजूस वेदांतु अगेन थर्ड डायमेंशन पे काम करते हैं, वो समझाने के ऊपर काम करते हैं। मैंने आपसे सवाल किया मान लीजिए मेरे हाथ में मोबाइल है, इस मोबाइल को मैं आसमान में फेंकूंगा ये नीचे आएगा, क्यों आएगा, ड्यू टू ग्रेविटी, सभी लोगों को पता है, ये स्कूल में समझाया जा रहा है, कोचिंग सेंटर में समझाया जा रहा है, बायजूस वेदांतु भी ये समझा रहा है, कोई मोबाइल गिरा के दिखा रहा है, कोई एप्पल गिरा के दिखा रहा है, लेकिन सवाल दूसरा क्या है, ये ग्रेविटी का जो लो है ये न्यूटन ने कौन से ईयर में इन्वेंट किया था। अगर आप लोगों से भी सवाल करूंगा 99% लोग आंसर नहीं दे पाते, क्योंकि समझी हुई चीज आपने समझी होगी स्कूल टाइम में बट आपको अभी तक याद है, लेकिन याद रखने वाले जो टॉपिक है हिस्ट्री की डेट्स पैराग्राफ ये हमारा माइंड भूल जाता है दोस्तों। तो कहने का बायजूस वेदांतु ये सभी लोग समझाने के ऊपर काम कर रहे हैं,
हम लोग समझाने के साथ साथ चीजों को परमानेंट कैसे याद रखेगा हमारा माइंड, उस हिस्ट्री की ईयर को आपको कैसे परमानेंट याद रखनी है उसके ऊपर ये 14 टेक्निक्स कहीं ना कहीं बच्चों की हेल्प करती है। दोस्तों ये 14 टेक्निक्स का हमारा सिलेबस है, इनके वीडियोस देखने के लिए कैसे अप्लाई होते उसके लिए आपको हमारी टीम से बातचीत करने और उनसे डेमो वीडियो मांगने, साथ ही इन मेमोरी टेक्निक के कुछ ऐसे पावरफुल डेमोस्ट्रेशन है जिन डेमोस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं आप परफॉर्म करते हैं और कहीं ना कहीं ये डेमोस्ट्रेशन इतने अट्रैक्टिव है, कहीं ना कहीं आप अगर इन डेमोस्ट्रेशन को लाइव देखते हैं तो आप भी इसको इसको सीखने के पीछे इसको लॉजिक को जानने के लिए कुछ भी अमाउंट पे करने के लिए रेडी होते हैं। दोस्तों ये दो ऐसे डेमोस्ट्रेशन है जो कहीं ना कहीं हमारे यूट्यूब चैनल्स पे देख सकते हैं, काफी सारे और भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं, या फिर एक वीडियो में आपको शेयर करना चाहूंगा जहां पे इन डेमोस्ट्रेशन के थ्रू आप देखेंगे कैसे बच्चे इन डेमोस्ट्रेशन को सीखने के लिए कहीं ना एक सीखने के लिए कोई ना कोई अमाउंट पे कर रहे हैं, साथ ही सीखने के लिए जो भी अमाउंट मांग रहे हैं वो उनको एक 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 मिनिमम वैल्यू वहां पे लग रही है। दो डेमो है दोस्तों, पहला डेमो है नंबर डेमो। अब नंबर डेमो में होता क्या, सपोज आपको इस मेमोरी के कॉन्सेप्ट को या इस मेमोरी की पावर दिखाने की मेमोरी वाकई में क्या बच्चों का रिजल्ट बढ़ाती है उसको जानने के लिए या फिर इसको समझाने के लिए आपके सामने सपोज 500,000 बच्चे बैठे आपको उनको ये समझाना, उनके साथ में आपने एक मेमोरी गेम खेला और मेमोरी गेम में दोस्तों आपको करना क्या, सपोज आप स्कूल के अंदर गए उन बच्चों को टास्क दिया कि बच्चों एक काम करिए आप मुझे कोई भी दो दो नंबर बताएं, या तो आपके मोबाइल नंबर पापा के मोबाइल नंबर के दो डिजिट हो सकते हैं, आपका रोल नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर आपने उनसे पूछा, उन बच्चों ने आपको नंबर बताना स्टार्ट किया, आपने स्क्रीन के ऊपर उन सभी नंबर्स को लिखना स्टार्ट कर दिया। ऐसे करके अगर मैंने आपको 100-150 बच्चों ने नंबर बताए, आपने स्क्रीन के ऊपर 50 या 100 नंबर लिख लिए, अब बच्चों से सवाल किया बच्चों ये नंबर अभी आपने मुझे बताएं इन नंबर्स को कौन बच्चा मुझे कितनी देर में याद करके सुना देगा, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो आंसर आते हैं वो आंसर कॉमन है। बात है सर 2 दिन 10 दिन 15 दिन 1 घंटा 10 दिन, या सर हमें मोबाइल नंबर याद नहीं होते इतने सारे नंबर कैसे याद होंगे, लेकिन दोस्तों इन टेक्निक को सीखने के बाद आप देखते हैं कि उन सारे नंबर्स को हमारा ट्रेनर या कोई भी हमारा स्टूडेंट्स मात्र 2 सेकंड के अंदर वो स्कैनिंग टेक्निक्स के थ्रू उन नंबर्स को इंस्टेंटली वहां जैसे वो नंबर लिखता जा रहा था वो नंबर उसके माइंड में फीड होते जा रहे थे और उन नंबर्स को बिना देखे मात्र 2 सेकंड के अंदर वो रिकॉल करके भी बताता है। और यही नहीं, सीधा तो हम नंबर्स को पढ़ सकते हैं लेकिन अगर मैं बात करूं इन नंबर्स को उल्टा अगर सुनाने की बात की जाए तो वो और भी डिफिकल्ट टास्क है। इन नंबर्स को इन टेक्निक्स को सीखने के बाद आप उल्टा भी याद करके सुना देते दोस्तों, ये काफी अट्रैक्टिव डेमो है। एक डेमो हो गया ये, दूसरा डेमो इससे भी अट्रैक्टिव है, उसका नाम है कहीं ना कहीं कैलेंडर डेमो। और कैलेंडर डेमो क्या होता है, हम कहीं ना कहीं डेट्स को याद करने के साथ में गेम खेलते हैं जहां पे डेट्स को याद करने के लिए हमारा जो स्टूडेंट है स्टूडेंट के सामने हम डेमो वीडियो की एक्टिविटी करते हैं जहां पे स्टूडेंट उन डेमो वीडियो को सीखता है। जहां पे कैलेंडर डेमो होता है कि दोस्तों कैलेंडर डेमो के अंदर सपोज कई बार बड़े बड़े बच्चों के कॉम्पिटिशन के अंदर एक सवाल आता है, इनमें कोई भी एक डेट दे दी जाती है और उस डेट वाले दिन कौन सा डे है हमें उसको निकालने के लिए टाइम लगता है, लेकिन आप क्या देखते हैं इन टेक्निक्स के माध्यम से कोई भी बच्चा इन सभी चीजों को मात्र 2 सेकंड के अंदर याद, जैसे वीडियो में आपको शेयर करना चाहूंगा उस वीडियो के थ्रू या आप सामने देखेंगे कैसे हमारे ट्रेनर लाइव स्कूल्स के अंदर इन सारी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए ये एक स्कूल का वीडियो है हमारा, राजस्थान के बीकानेर के अंदर एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर कहीं ना कहीं इस इवेंट को हमने किया था और कैसे वहां पे स्कूल्स के बच्चों के सामने ये सारी एक्टिविटी की जा रही है। एक सेकेंड, चलिए एक वीडियो शेयर करूंगा मैं आपको जिसमें आप देखें कैसे वहां पे जो ऑडियंस है इन मेमोरी टेक्निक के थ्रू चीजों को परफॉर्म कर पा रही है। चलिए थोड़ा टेक्निकल इश्यू है, कोई बात नहीं दोस्तों। देखिए इन वीडियोस के माध्यम से कहीं ना कहीं जब इन मेथड्स को बच्चा सीखता है सीखने के बाद में इन मेथड्स के पीछे का लॉजिक जानने के लिए रेडी रहता है। कहीं ना कहीं दो डेमो हमारे इनके वीडियोस चाहे तो आप हमारी टीम से भी डिमांड कर सकते हैं, टीम इन सभी वीडियोस को आपको लाइव परफॉर्म कैसे होते हैं कैसे बच्चे इन वीडियोस को परफॉर्म कर पा रहे वो भी आप वहां पे जान पाएंगे। एक बार मैं वीडियो को वापस प्ले करने की कोशिश करता हूं। चलिए
चलिए दोस्तों, एक वीडियो प्ले हो रहा है तो वो टेक्निकल इश्यू है, तब तक मैं आपको दूसरे टॉपिक के ऊपर बातचीत करता हूँ। देखिए, एक तो हो गया ये डेमो वीडियोस, वीडियो के साथ साथ आप देखते हैं कहीं ना कहीं इन मेथड्स के थ्रू, जब हमारी 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, इस ट्रेनिंग के अंदर इन डेमोस्ट्रेशन को आप भी परफॉर्म कर पाते हैं। और जब आप परफॉर्म करते हैं तो परफॉर्म करने के बाद खुद देखते हैं कि जैसे अभी 2 दिन पहले हमारी लाइव ट्रेनिंग हुई थी, उस लाइव ट्रेनिंग के अंदर भी वहां पे हमारे जो ट्रेनीज आए थे पूरे अजमेर से, अजमेर के अंदर ट्रेनिंग लेने के लिए, वो लोग भी 2 दिन की ट्रेनिंग के अंदर इन डेमोस को परफॉर्म कर पाए थे। इसके लिए आप वीडियो हमारी टीम से मांग सकते हैं, जब आप देखेंगे कैसे इन वीडियोस को कहने का हमारी टीम 2 दिन की ट्रेनिंग के अंदर इन सारी चीजों को परफॉर्म करा रही है। तो आप भी इन वीडियोस के माध्यम से इन मेथड्स के कहने का जो डेमोस्ट्रेशन है या इन चीजों को आप और अच्छे से जान पाएंगे। एक बार वीडियो प्ले करना चाहूंगा मैं आपको। चलिए, वीडियो प्ले हो गया है। मैं एक एक्सरसाइज करता था, टू डिजिट बताने हैं, हाँ 72 लिखते जाइए, ऐसे बोलते जाइए, हाँ वन बाय वन, 003 यस नेक्स्ट, 31 नेक्स्ट, 75 ओके 75 नेक्स्ट। मैं नंबर्स को लिखता चला गया और मुझे ध्यान था कौन सा नंबर बोला गया है, ठीक है, आपको ध्यान नहीं था, आप देख भी रहे नंबर, लेकिन मुझे मालूम था आपने कौन सा नंबर बोला है, क्योंकि मैं पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ और मेमोरी टूल्स को यूज करते हुए काम करता हूँ हमेशा फोकस के साथ। अब ये सारे नंबर, क्योंकि अभी आप बेसिक लेवल देख रहे हैं, उसके बाद मैं आपको चैनल बताऊंगा, वहां पर दुनिया का सबसे टफ जो आज तक नहीं किया वो भी देखेंगे आप। मुझे याद करने में लगता है स्कैनिंग टेक्निक यूज करूंगा, फोटो स्टेट करके इसे मैं अपने दिमाग में डाल दूंगा, मुझे लगेंगे 2 सेकंड। 72 एंड 03 एंड 31 एंड 75 एंड 25 एंड 20 एंड 61 एंड 88 एंड 97 एंड 99 एंड 80 एंड 95 एंड 07 एंड 98 एंड 74 एंड 86 एंड 06 एंड 07। देखिए दोस्त, एक डेमो ये था, एक डेमो और भी अच्छा है। दूसरा डेमो है हमारा कैलेंडर डेमो, और कैलेंडर डेमो मैंने आपको क्या बताया था, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन के बच्चों के सवाल आता है, उनको कोई भी एक डेट दे दी जाती है और उस डेट वाले दिन कौन सा डेट था उसको निकालना पड़ता है, जिनको निकालने के लिए अगर वैदिक मैथ्स की ट्रिक पर भी अगर आप यूज करते हैं उसमें भी आपको 2 मिनट से लेकर 5 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पे इन टेक्निक्स की एक बच्चों को मात्र 15 मिनट की ट्रेनिंग दी गई, और वो भी वो बच्चा जो स्कूल में सबसे वीक था। और कहीं ना कहीं हम हर जगह जो हमारी फ्रेंचाइजी बनते हैं हम उनको भी ये टेक्निक सिखाते हैं, कैसे वो किसी भी स्कूल में जाके उसी के स्कूल के जो सबसे वीक बच्चे हैं उन वीक बच्चों को मात्र आधे घंटे की ट्रेनिंग के अंदर गूगल से भी फास्ट कैलेंडर की डेट्स को निकालना सिखा देते हैं। तो यहाँ पे एक वीडियो दिखाऊंगा जब इसी स्कूल का बच्चा गूगल से भी फास्ट 10 साल का कैलेंडर, यहाँ पे इन टेक्निक्स के थ्रू आप 1 साल का कैलेंडर तो सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आधे घंटे की ट्रेनिंग के अंदर आप किसी भी स्टूडेंट, किसी भी पेरेंट्स या किसी को भी 10 साल का कैलेंडर चुटकियों में याद करना सिखा देते हैं। वीडियो इसके आगे का देखते हैं। 25 अप्रैल 2009 सैटरडे, 25 अप्रैल 2009 इन्होंने बोला है क्या सैटरडे, लिखते क्या था, यस देखिए बिल्कुल सही आंसर आया है। 12 अगस्त 2009 जिनको हमने किसी भी स्कूल के सामने जब बच्चों के सामने किया तो कहीं
बच्चों तो कहीं ना कहीं इस चीज को सीखने के रेडी होते, कहीं ना कहीं स्कूल्स भी इन डेमोस्ट्रेशन को सीखने के लिए कहता है कि सर कहीं ना कहीं हमारे स्कूल्स के अंदर भी इन टेक्निक्स को हम अप्लाई करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स को भी इन मेमोरी टेक्निक को हम सिखाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं काफी पावरफुल डेमोस्ट्रेशन मेनली हमारे जो प्रोडक्ट की भी दोस्तों या जो बात मैं आप लोगों के बीच में कर रहा हूँ, ये जो टेक्निक्स है ये टेक्निक्स ही कहीं ना कहीं हमारा मेन बिजनेस मॉडल दोस्तों होने वाली है। कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर, साथ ही इन टेक्निक्स का एक वीडियो लास्ट एक मिनट का वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ में, फिर इस डायरेक्ट हम बात करेंगे कैसे आप हमारे साथ में इसका बिजनेस करके खुद के लिए एक नोबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए एक फ्रेंचाइजी का फीडबैक जहां पे कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी ने आफ्टर जब उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, सारे 14 टेक्निक्स बच्चों को सिखा दिए, उसके बाद में बच्चों के जो रिव्यू है या उनके पेरेंट्स को जो रिव्यू है इन टेक्निक्स को सीखने के बाद, क्या वाकई में उनका रिजल्ट बढ़ा? कहीं ना कहीं पेरेंट्स खुद कह रहे हैं कि इन बच्चों के थ्रू बच्चों का रिजल्ट, बच्चा 75% मार्क्स लाता था इन टेक्निक्स का यूज करने के बाद में, कहने वो 80-85% भी स्कोर कर पा रहा है। प्राइम मेथड पीएमएस की इतों केड़े मेथड सीखे ने, प्राइम मेथड पीएमएस चेन मेथड रोमन रूल मेथड ऐसे बहुत सारे मेथड सीखे हमने। हाँ जी, तो ये भी दसो कि इन्होंने मेथड्स के हों मैथड से लर्निंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है और फन होता है बहुत ज़्यादा, मज़ा आता है स्टडीज में। और कितना का ज़्यादा फर्क लगता है हूँ स्टडी करने के, क्योंकि ये जो मैथड्स ने इतों तुम काफ़ी कुछ सीखते हो और अपनी स्टडी जी स्कूलिंग स्टडी है काफ़ी डिफिकल्ट होंगी है, उस तो बाद कि ज़्यादा फर्क लग गया कि हूँ कि आसान लगती है? परसेंटेज अच्छी आई है और पढ़ाई में ज़्यादा मज़ा आता है, तो फिर स्कूल में टीचर्स भी खुश है बहुत ज़्यादा हमसे। हेलो मैम। हेलो। सब तो पहला तो सानू दसो कि जिहड़ी इह स्किल्स है इह किवें इंप्रूव करदी है बच्चों नू और तुहाडे बच्चे दे विच कितना को फर्क आया? ये बच्चों को स्पेशली ऐसे बताते हैं कि तुमने मतलब ये चीज़ें हैं उनको लर्न नहीं करना, तुमको उनको बेसिकली उनको अपने वर्ड्स देने हैं, उनको नई नई तकनीक बनानी है, उसके लिए रिगार्डिंग तुम कुछ भी मतलब अपनी कोई स्टोरी राइम बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, वो चीज़ें बच्चों को बेसिकली याद रहती है। ये नहीं कि हमने आज लर्न किया और अगर हम 10 दिन बाद या 15 दिन बाद इवन दिस फॉरगेट इन। चलिए दोस्तों ये कुछ वीडियोस थे, आपने देखा होगा कैसे पैरेंट ऐसे काफी और सारे ढेर सारे वीडियो आप देख सकते हैं अगर आप हमारे YouTube चैनल पे जाते हैं बैगलेस इंडिया ऑफिशियल, या फिर आप हमारे सेल्स टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सेल्स टीम इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के इनके पेरेंट्स के फीडबैक बच्चों के वीडियो जब बच्चे ये सारी एक्टिविटी कर पा रहे हैं और कहने के बुक्स के अंदर अप्लाई करके बता रहे हैं, और सारी वीडियोस आपको हमारे सेल्स टीम से प्रोवाइड हो जाएंगे। दोस्तों ये मेनली हमारा कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं इन 14 टेक्निक्स के थ्रू हम बच्चे की मेमोरी को डेवलप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन 14 टेक्निक्स को सीखने के बाद बच्चा अपना रिजल्ट भी इंप्रूव कर पा रहा है। दोस्तों हमारा मिशन क्या है? हर बच्चे को स्ट्रेस फ्री एजुकेशन देना। कहीं ना कहीं इसी विजन के साथ हम लोग उतरे हैं मार्केट के अंदर, कहीं ना कहीं 5 करोड़ बच्चों तक हमारा टारगेट है 2025 तक पहुंचना है, और उसी के लिए एक ऐसा फ्रेंचाइजी मॉडल मैं आप लोगों के बीच में लेके आया जिसके थ्रू कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉफिट हो ही रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन इसी प्रॉफिट के साथ साथ अगर बच्चों को एक ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप दे पाए जिसके थ्रू उनका एग्जाम रिजल्ट बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जो उनका डिप्रेशन एग्जाम को लेकर अगर वो खत्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप खुद कहेंगे एक सोशल वर्क है। तो दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आगे आपको बताने वाला हूं हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल। देखिए दो तरह के लोग आते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था दो तरह के फ्रेंचाइजी मॉडल यहाँ पे आपके केस बिजनेस का इस कॉन्सेप्ट का बिजनेस आप कैसे करेंगे, तो दो तरह के लोग हैं। पहले पर्सन वो जो टीचिंग लाइन से डायरेक्टली जुड़े हो, आप में वो लोग जिनका खुद का स्कूल है कोचिंग सेंटर है कहीं ना कहीं उनको टीचिंग से प्यार है, वो बन सकते हैं हमारे ट्रेनर। और ट्रेनर के अंदर क्या होता है, इन टेक्निक्स के ऊपर हम आपको डेवलप करते हैं, ये स्किल्स हम आपको सिखाते हैं और आप सीखने के बाद आपके एरिया के बच्चों को ये मेमोरी टेक्निक सिखा के और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दूसरा मॉडल है दोस्तों उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि सर मैं पढ़ाना नहीं चाहता, मैं तो स्कूल का डायरेक्टर हूं लेकिन मेरे पास तो बच्चे हैं, मैं खुद उन बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, एक काम करिए आप क्या उन बच्चों को पढ़ा दे क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा टीचर भी नहीं है। तो उन लोगों के लिए मॉडल है डिस्ट्रीब्यूटर के, आप मत पढ़ाएं, कंपनी उन बच्चों को पढ़ा रही है। या फिर वो लोग जो कहते हैं सर मुझे कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, मुझे सेल्स करना आता है, मुझे कोई भी प्रोडक्ट दे दो उन प्रोडक्ट को मैं सेल कर सकता हूं, पढ़ाने या सर्विस का काम मेरा नहीं होना चाहिए। दोस्तों उन लोगों के लिए फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर जहां पे बैगलेस इंडिया हमारी एप्लीकेशन है, उस एंड्रॉइड एप्लीकेशन के ऊपर बच्चे आते हैं और कहीं ना कहीं लाइव ट्रेनिंग लेके या फिर रिकॉर्डेड वीडियोस देख के कहीं ना मेमोरी के थ्रू अपने रिजल्ट को इंप्रूव करते हैं। चलिए दोस्तों इन दोनों मॉडल को मैं एक एक करके आपको समझाना चाहूंगा। पहला जो मॉडल है हमारा दोस्तों वो है ट्रेनर फ्रेंचाइजी। और ट्रेनर फ्रेंचाइजी जैसे ट्रेनर शब्द ट्रेनर वर्ड क्या है, ट्रेनर का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो किसी चीज की ट्रेनिंग लेने के बाद बन जाता है ट्रेनर। जैसे मैथ्स का टीचर है
मैथ्स का टीचर बचपन से तो ट्रेनर मैथ्स का टीचर नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं पहले खुद एक स्टूडेंट होता है, बड़ा होके जो बीएड करता है या उस मैथ्स के बारे में अच्छी नॉलेज लेता है, उसके बाद बनता है वो मैथ्स का एक टीचर। और मैथ्स का टीचर बनने के बाद उसका रोल क्या होता है, वो अपना खुद का या तो कोचिंग सेंटर खोल के बच्चों को पढ़ा रहा होगा या किसी स्कूल के अंदर जाके वहां पे बच्चों को सिखा के और फीस लेके या फिर कहने की सैलरी लेके उसके बदले में सिखाने की एक फीस लेके और कहने का अपना बिजनेस चला रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम बना रहे हैं आपको मेमोरी का ट्रेनर फ्रेंचाइजी, जहां पे इन मेमोरी टेक्निक्स के ऊपर हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। उस ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है ऑनलाइन, जो कि 4+3 चार दिन की आपकी जूम एप्लीकेशन पर लाइव ट्रेनिंग होती है और 3 दिन के हम आपको रिकॉर्डेड वीडियोज देते, इट मीन्स टोटल 7 दिन की हम आपको लाइव ट्रेनिंग देते हैं। उस लाइव ट्रेनिंग के बाद में अगर आप कहीं भी प्रॉब्लम आते हैं मेथड्स को लेके, 1-to-1 हमारे मेमोरी एक्सपर्ट है जो कभी भी आप उनसे बातचीत कर सकते हैं 10 से 6 के बीच में, वो आपकी हेल्प करते हैं इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से अंडरस्टैंड होने कर लिए। और यही दोस्तों सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं, ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ साथ हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं ऑफलाइन ट्रेनिंग, जहां पे ऑफलाइन ट्रेनिंग हम लोग करवाते हैं अजमेर के अंदर, हमारा हेड ऑफिस अजमेर के अंदर है। उस अजमेर के अंदर हर महीने हमारे 2 बैच बनते हैं, आप लोगों को इनवाइट करते हैं अजमेर के अंदर, जब अजमेर आके हमारे हेड ऑफिस के अंदर 2 डेज का कंप्लीट ट्रेनिंग लेते हैं और उन्हीं 2 दिन की ट्रेनिंग के अंदर इन मेथड्स के ऊपर तो आपको 14 टेक्निक्स तो सिखाते हैं, लेकिन इन्हीं 14 टेक्निक्स को सीखने के साथ साथ जो ये दो डेमो आप लोगों को हमने बताए थे, इन 2 डेमो को भी आप यहाँ पे परफॉर्म करके जाते हैं। आपको मेरी टीम ने काफी सारे फ्रेंचाइजी की फीडबैक वीडियो देखे होंगे, जहाँ पे फ्रेंचाइजी खुद आपकी तरह पहले वेबिनार देखा होगा, वेबिनार देखने के बाद वो लोग जो ट्रेनिंग लेने अजमेर आए तो वही लोग ट्रेनिंग लेने के बाद उनके फीडबैक वीडियो में बता रहे हैं कैसे जो कंपनी ने उनको चीजें बताई थी डेमोस्ट्रेशन के बारे में वो इजी वे में सीख भी पा रहे हैं, अब आगे जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और काफी सारे लोग हैं, आप उनके नंबर भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, जो लोग कहीं ना अपने एरिया के अंदर जाके एक्टिविटी कर रहे हैं, स्कूल्स के अंदर जाके या तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर खुद का मेमोरी बेस्ड कोचिंग सेंटर खोल के और रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मेमोरी का ट्रेनर बनाने के लिए हम लोग देते हैं आपको ट्रेनिंग, जो कि ऑनलाइन भी होती है और अजमेर के अंदर ऑफलाइन भी होती है। यहाँ पे अजमेर के अंदर दोस्तों हमारा खुद के होटल्स है, खुद के रेस्टोरेंट है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चिंता नहीं करनी कि अजमेर में मुझे कहाँ रुकना होगा, कैसा स्टे वगैरह रहेगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी। सिर्फ आना जाना आपको लोकेशन से अजमेर तक आना जाना सिर्फ आपका रहेगा, लेकिन अजमेर आने के बाद कहीं ना कहीं कंप्लीट जो फैसिलिटी है आपको वो कंपनी की तरफ से दी जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ट्रेनर की ट्रेनिंग दी जाएगी, जहाँ पे मेथड्स आपको या जो भी आप टीचर रख रहे हैं उसको हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर ट्रेनिंग हम आपको देते हैं सर्टिफिकेशन कि कैसे इस बिजनेस को आप आगे ले जाके आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग होती है दोस्तों, हर महीने अजमेर के अंदर हमारा बैच बनता है जहाँ पे पूरे इंडिया से लोग आते हैं और कहीं ना कहीं मेमोरी की ट्रेनिंग को लेते हैं। आफ्टर ट्रेनिंग हम कहीं ना कहीं आपको प्रोवाइड करते हैं सर्टिफिकेशन कि इस बिजनेस को कैसे आप अपने एरिया में ले जाके वर्किंग कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेशन, और दोस्तों यही नहीं, इसके बाद में हम आपको देते हैं सेल्स और मार्केटिंग की ट्रेनिंग, जो कि अजमेर में भी होती है ऑफलाइन में, साथ ही हर वीक ऑनलाइन जूम मीटिंग, जहां पे बच्चे कैसे लेके आने हैं, कैसे आपको स्कूल में अप्रोच करना है, क्या क्या एक्टिविटी करनी है जिसके थ्रू आपका बैच बनेगा, वो सारा भी सेटअप हम आपको करा के इसके अंदर देते हैं। अब दोस्तों मेमोरी ट्रेनिंग लेने के बाद आपको करना क्या है, उसके लिए एक मॉडल है जिसको कहते हैं हम मेमोरी का ऑफलाइन। जैसे नेक्स्ट ट्रेनिंग की बात करता हूं, नेक्स्ट जो हमारी ट्रेनिंग है 2 डेज की, वो 11 और 12 अगस्त को, जिसके ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग भी अपनी इस ट्रेनिंग का सीट रजिस्टर करा सकते हैं। इस महीने 2 ट्रेनिंग होने वाली है, एक 11-12 तारीख को, दूसरी है 21 और 22 अगस्त को। तो 2 ट्रेनिंग डेट से दोस्तों इस महीने की, जिनको कहीं ना कहीं आप बुक करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपको पूरे कॉन्सेप्ट को भी समझना है, समझने के बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब आपको करना क्या है, कहीं ना कहीं सबसे पहले हमने आपको ट्रेनिंग दी, अब ट्रेनिंग लेने के बाद आप वापस अपने एरिया में जाएंगे, वहां पे बच्चों को इसी मेमोरी ट्रेनिंग के ऊपर ट्रेनिंग देंगे, जहां पे एक बच्चे के लिए जो आपके सेंटर में पढ़ने आएगा उसके अंदर कोर्स रहेगा 6 मंथ का, 6 मंथ का एक बच्चे का कोर्स रहेगा। दोस्तों 6 महीने बच्चा रेगुलर आपके पास में नहीं आएगा, यहाँ पे जो क्लासेस चलेगी मेमोरी टेक्निक्स की वो चलेगी संडे टू संडे। तो कहीं ना कहीं आप बच्चों को संडे टू संडे मेमोरी टेक्निक्स के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं, टोटल 6 महीने में टोटल 24 संडे होते हैं, 24 संडे बच्चा आपके पास में आता है और आपसे मेमोरी की क्लास लेके जाता है। ये 24 डेज में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इसका भी सेशन फ्लो हम आपको बना बना देते हैं। अगर आपका खुद का स्कूल है, कोचिंग सेंटर है, तो आप वहां पे प्लान कर सकते हैं, स्कूल है तो आप इसको जरूरी नहीं संडे, आप इसको सैटरडे टू सैटरडे भी प्लान कर सकते हैं। अगर कोचिंग सेंटर है तो आप वहां पे भी अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जिनको लगता है कि सर मुझे आज अभी कोचिंग सेंटर नहीं है, जगह नहीं है, वो लोग ये देखिए कॉन्सेप्ट चलता है संडे टू संडे, आप आपके आसपास के जो कोचिंग सेंटर ऑलरेडी रनिंग है उनको भी संडे टू संडे रेंट पे ले, क्योंकि 4 दिन महीने में 4 दिन पढ़ाना है, आप उनको रेंट पे भी लेके चलेंगे तो भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, जहां पे अपने एरिया के अंदर जाके बच्चों को संडे टू संडे क्लासेस देनी है, टोटल 6 महीने में 24 दिन बच्चा आपके पास में आएगा। हमें जो टारगेट करने हैं बच्चों को,
वो है फोर्थ क्लास लेके टेंथ क्लास तक के बच्चे, ये हमारे टारगेट ऑडियंस रहने वाली है। और यहाँ पे बच्चों की आप लेते हैं कंबाइंड स्टडी, अगर आपके पास बच्चे कम है तो आप बच्चों को कंबाइंड एक साथ भी बिठा सकते हैं, अगर बच्चे ज्यादा है तो आप उनको आगे जाके क्लासेस के अकॉर्डिंग भी बिठा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो फोर्थ टू टेंथ क्लास के बच्चे कंबाइंड स्टडी, इनकम होती है दोस्तों फीस के माध्यम से, जो भी फीस इस कॉन्सेप्ट की आप रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप आपके एरिया के अकॉर्डिंग कोई भी फीस चार्ज कर सकते हैं। कंपनी फीस में से ना तो कोई रॉयल्टी आपसे चार्ज करती है, ना कोई शेयरिंग आपसे देती है। आप किसी भी अदर ट्रेनर फ्रेंचाइजी मॉडल में जाएंगे, आप अबेकस, वैदिक मेस ऐसे काफी सारे फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में सुना होगा जो कहीं ना कहीं आपसे फ्रेंचाइजी कॉस्ट तो लेते ही है, लेकिन फ्रेंचाइजी कॉस्ट के बाद में वो लोग हर महीने आपसे रॉयल्टी भी चार्ज करते हैं, रॉयल्टी के साथ साथ वो हर साल या दो तीन साल बाद में एक रिन्यूअल फीस भी आपसे लेते हैं। दोस्तों ये एक नो रॉयल्टी मॉडल है जिसके अंदर कंपनी आपसे ना कोई रॉयल्टी ले रही है, कहीं ना कहीं आप आपके एरिया के बच्चों को मेमोरी की ट्रेनिंग देते हैं और वही मेमोरी ट्रेनिंग सिखा के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फीस का क्राइटेरिया 5,000 से लेकर 10,000 के आसपास फीस रख सकते हैं। आपको लगता है कि मेरा पोटेंशियल एरिया है, आप 10,000 फीस रखें। आपको लगता है सर थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया, यहाँ पे रूरल एरिया ज्यादा है, वहां पे फीस आप 5,000 या 5,000 से कम भी रख सकते हैं। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है, पूरे 6 महीने की फीस रहने वाली दोस्तों। तो कहीं ना कहीं एज ए ट्रेनर ये मेमोरी टेक्निक हम आपको सिखाते हैं, आप अपने एरिया के बच्चों को संडे टू संडे सिखा के और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर एक एरिया मोनोपोली भी देते दोस्तों कि जहां पे भी आप आपका सेंटर खोलेंगे उसके एटलीस्ट 30,000 पॉपुलेशन के रेडियस के अंदर हम किसी और को मेमोरी बेस्ड कोचिंग सेंटर खोलने का वहां पर अलाउ नहीं करेंगे। तो दोस्तों एज ए ट्रेनर ये मेमोरी टेक्निक्स हम आपको सिखाते हैं, सिखाने के बाद आप अपने एरिया के अंदर जाके बच्चों को सिखाते हैं। अब सर इसमें एक बिजनेस मॉडल और है, आप एज ए ट्रेनर संडे टू संडे तो पढ़ा रहे, लेकिन बाकी दिन आप क्या करेंगे, मंडे टू सैटरडे आप क्या करेंगे? उसके लिए हमारा दूसरा मॉडल है दोस्तों स्कूल वर्कशॉप। और स्कूल वर्कशॉप एक ऐसा मॉडल है जब प्रैक्टिकल एक रोडमैप दूंगा मैं आपको, जिसके थ्रू आप हर महीने 40,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक का अर्न कर सकते हैं। वो मॉडल क्या क्या दोस्तों, देखिए ये मेमोरी टेक्निक हमने सिखा दिया, ये डेमोस्ट्रेशन हमने आपको सिखा दी, अब हम आपको बाकी दिनों स्कूल को अप्रोच करने की बातचीत करते हैं कि आप आपके आसपास के सिटी में जितने भी सेमी प्राइवेट या प्राइवेट जो स्कूल्स है आपको उनके पास में जाना है और वहां पे 2 दिन की एक्टिविटी के बारे में आपको प्रोग्राम करना है और कहना है स्कूल के मैनेजमेंट से जाके बातचीत करना है। स्कूल के मैनेजमेंट से बातचीत करना है, स्कूल का मैनेजमेंट 2 रीजन है जिसकी वजह से आपको यस करेगा। पहला रीजन, आप उनके स्कूल के अंदर बच्चों को फोर्थ डायमेंशन के ऊपर मीन बच्चों को कैसे चीजें याद रखी जाए उसके ऊपर कुछ मेथड सिखाने आए हो, जहां पे 2 दिन की क्लास चलेगी, पहले दिन फ्री, दूसरे दिन अगर बच्चों को अच्छा लगता है तो बच्चे पेमेंट देंगे, अगर उनको अच्छा लगा कि तभी ही। दूसरा रीजन होता है, पहला रीजन तो बच्चों को फ्री टेक्निक सिखा रहे, दूसरा रीजन स्कूल से बातचीत करते हैं कि अगर मान लीजिए बच्चों को अच्छा लगता है हम एक मिनिमम फीस चार्ज करेंगे और उस फीस के थ्रू जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें से स्कूल के वेलफेयर फंड के अंदर हम कोई ना कोई डोनेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो वीडियो आपको यहाँ पे प्ले किया था आपने उस वीडियो में देखा होगा, वो हमारे स्कूल वर्कशॉप का ही वीडियो था जहां पे कहीं ना कहीं हमारे सामने 2,000 बच्चे बैठे थे, हमारा ट्रेनर कहीं ना कहीं स्कूल के अंदर गए, वहां पे पहले दिन एक मेमोरी मेथड सिखाया, मेमोरी मेथड सिखाने के बाद में लास्ट के अंदर एक डेमो परफॉर्म किया जहां पे नंबर्स को याद करके सुना दिया या कैलेंडर की डेट्स को हमने याद करके बता दिया। अब बच्चों से पूछा, बच्चों सेकंड डे हमारी एक और क्लास होने वाली है जिसके अंदर मैं सिखाऊंगा इन नंबर्स को मैंने कैसे याद किया, या कैलेंडर की डेट्स का 100 साल का कैलेंडर आप कैसे सीखेंगे, उसके लिए नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है जिसके अंदर इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे की साइंस सिखाऊंगा और उसके लिए मैं फीस लूंगा या चार्जेस लूंगा मात्र 99 रुपीज। अब आप खुद बताए दोस्तों 100 रुपए एक ऐसा मिनिमम अमाउंट है जो हर बच्चा अपनी पॉकेट मनी से भी निकाल के दे सकता है, बिकॉज वो उसको लग रहा है मैजिक की तरह कि जादू है कैसे किया, लेकिन जब इसकी काउंसलिंग करते हैं हर बच्चा आपको वो 100 रुपए ला के देने के लिए, क्योंकि सारे बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चे अपने पॉकेट मनी से भी लाके दे सकते हैं या फिर अपने पेरेंट्स को बात करके उनको समझा के भी 100 रुपए ले। तो कहने जब स्कूल में हमने एक्टिविटी करी थी 2000 बच्चे थे, 2000 बच्चों में से नेक्स्ट डे 1500 बच्चों ने कम से कम हमारे पास में 100 रुपए के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया। तो कहीं ना कहीं वहां पे हम लोगों ने 1,60,000 रुपए के आसपास का टोटल 150+ बच्चों ने कहीं ना जो रेवेन्यू हमने जनरेट किया था, तो कहीं ना कहीं हमने 1,50,000 के आसपास कंपनी ने कमाया, कुछ पैसा हमने स्कूल के वेलफेयर फंड के अंदर दिया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग भी संडे टू संडे बच्चों को पढ़ाएं, बाकी दिन इसी तरह स्कूल्स वगैरह में जाते हैं, 2-2 दिन की एक्टिविटी करें, क्योंकि 2 दिन में क्या सारे मेथड नहीं सिखा रहे आप, दूसरे दिन भी सिर्फ वो कैसे किया उस वो वाला मेथड आपने सिखाया। तो कहने बाकी दिन दोस्तों आप स्कूलों में जाते हैं और ये एक्टिविटी करके कहीं ना कहीं काफी अच्छा रेवेन्यू महीने का 40,000 से लेकर 1,00,000 रुपए के आसपास का अर्न कर सकता है। तो दोस्तों ये था उन लोगों के लिए जो टीचिंग लाइन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जिनका स्कूल है, कोचिंग सेंटर है, वो या तो खुद मेंबर का ट्रेनर बन के या फिर
उनके वहां पे ट्रेनर रख के इस एजुकेशन सेक्टर के अंदर खुद के लिए एक नोबल और एक बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे बिजनेस मॉडल के ऊपर। ये मॉडल उन लोगों के लिए जो कहते हैं सर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना, क्योंकि ऑफलाइन तो चलो ठीक है चलता रहेगा लेकिन अपने हाथ में कोई ऑनलाइन बिजनेस भी होना चाहिए। तो उन लोगों के लिए दोस्तों क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों के लेके आऊं जहां पे बैगलेस इंडिया करके हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर, और उसी एप्लीकेशन के ऊपर हम लोगों ने इन्हीं मेमोरी टेक्निक के कोर्स लॉन्च कर रखे, जहां पे ये मेमोरी टेक्निक हमने लाइव भी डाल रखी है और रिकॉर्डेड भी डाल रखी है। जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है मैंने आपको बताया था, वो खुद नहीं पढ़ाता है, वो सिर्फ बच्चों को एप्लीकेशन में लेके आता है, वो एप्लीकेशन के कोर्स परचेस करता है और बाद में कोर्स बच्चों को देने के बाद में उसका काम खत्म हो गया, बाकी बच्चों को पढ़ाना करना वो सारा कंपनी एंड के ऊपर है। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा फ्रेंचाइजी मॉडल जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी, जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी लेने के लिए भी आपको पहले हम ट्रेनिंग देते हैं, आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है 4 दिन की जिसमें काफी सारे लाइव कंटेंट आपको दिया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए जाते हैं, साथ ही 2 डेज की ट्रेनिंग होती है अजमेर के अंदर हमारे हेड ऑफिस के अंदर, जो सेम आपका रहना कहना सारा हमारी तरफ से आपको दिया जाता है, साथ ही कहीं ना कहीं आपको एक ऑनलाइन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दिया जाता है, और कहीं ना कहीं इस बिजनेस को पूरे पैन इंडिया पे कर सकते हैं इसी चीज के फ्रेंचाइजी राइट्स भी आपको हमारी तरफ से दिए जाते हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या, मान लीजिए इस पूरे ट्रेनिंग लेने के बाद फ्रेंचाइजी लेने के बाद जैसे ट्रेनर के बारे में बताया कि ट्रेनर के बाद में आपको बच्चों को पढ़ाना है, यहाँ पे काम आपका दूसरा है। यहाँ पे आप बच्चों को आपको पढ़ाना नहीं है, आपको आसपास के स्कूल्स में जाना है या पर्सनल 1-to-1 पेरेंट्स के पास में जाना है, उनको इन मेमोरी के डेमो देने हैं। मेमोरी के डेमो देने के बाद इन मेथड्स को सीखने के लिए जब बच्चा पूछता है कि सर मुझे कैसे सीख पाऊंगा, क्या आप पढ़ाएंगे, बोलते नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पे बैगलेस इंडिया एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, वहां पे इस एप्लीकेशन पे मेमोरी के कोर्स अवेलेबल है, आपको इस मेमोरी के कोर्स पे जाना है और वहां पे अमाउंट पे करके और कहने के कोर्स का एक्सेस लेके वहां पे वीडियोस देख के इन मेमोरी के मेथड आप सीख सकते। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप नहीं पढ़ाते, आपका काम है इस एप्लीकेशन के कोर्स को बच्चों तक पहुंचाना, जहां पे बच्चे एप्लीकेशन पे आते हैं और इन वीडियोस के कोर्स का पेमेंट पे करके खुद वहां पे मेमोरी टेक्निक को लाइव या फिर रिकॉर्डेड वीडियोस देख के सीख लेते हैं। अब दोस्तों ये प्लेटफॉर्म पे, अगर इस प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि बैगलेस इंडिया एप्लीकेशन क्या है, दोस्तों पहली बात तो ये इंडिया का नंबर 1 मल्टी मेमोरी ट्रेनर प्रोग्राम है, जहां पे आपको मेमोरी ट्रेनर मल्टीपल लैंग्वेज में मिलेंगे, मल्टीपल प्राइस के अंदर आपको मेमोरी के प्रोडक्ट मिलेंगे, साथ ही बहुत सारे टीचर मेमोरी के टीचर हमने एक जगह लेके हैं। आपने मेमोरी के और भी मॉडल, जैसे इस कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, एक दो और भी कंपनियां हैं जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही है, राइट अगर एक दो के नाम बताऊं, मेंटा स्किल, ब्रेनी वुड, तेज दिमाग, ऐसे बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, लेकिन दोस्तों उनमें डिफरेंस क्या है, वो सभी मॉडल पर्सन बेस्ड, इट मींस एक सिंगल पर्सन के ऊपर पूरा बिजनेस चल रहा है, अगर वो पर्सन बीमार हुआ वो मॉडल भी बीमार पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको पर्सन बेस्ड नहीं बनाया, हमने इसको बनाया प्रोडक्ट बेस्ड, इट मींस हमारे पास एक ट्रेनर नहीं, हमारे पास मल्टीपल ट्रेनर है जिनका कोई ना कहीं इस फील्ड के अंदर काफी सारा अनुभव है, कहीं ना कहीं 15 से 20 साल का अनुभव इस कॉन्सेप्ट में वो लोग लेके आए, कहीं ना कहीं काफी सारे स्टूडेंट को उन्होंने मेमोरी के ऊपर ट्रेनिंग दी है और कहीं ना कहीं काफी सारे बच्चों के भी रिकॉर्ड बनाए। तो ये इंडिया का नंबर 1 मल्टीपल ट्रेनर प्रोग्राम है, जहां पे मेमोरी ट्रेनिंग सिर्फ हिंदी में नहीं, क्योंकि अदर आप जितने भी ट्रेनर देखते हैं, आप कंपेयर कर लीजिए न्यूमोनिक्स के कोर्सेज को, आपने ऑलरेडी क्यों देखिए, एक जरूरी कोई एक चीज परचेस करने के लिए आप काफी जगह ऑलरेडी तलाश करते हैं, यहाँ पे आप भी न्यूमोनिक्स के कोर्सेज के बारे में तलाश करेंगे, उनकी एक तो फ्रेंचाइजी कॉस्ट महंगी है, अगेन वो पर्सन बेस्ड मॉडल है, लेकिन यहाँ पे आपको मेमोरी ट्रेनिंग मल्टीपल टीचर के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, सिंधी, ऐसे और भी मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर आपको मेमोरी ट्रेनिंग का कोर्स हमने बैगलेस इंडिया के एप्लीकेशन में आप लोगों के बीच में लेके आए। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे मेमोरी के अलावा अकेडमिक के अलावा इसमें अबेकस, वेदिंग मैथ्स, हैंडराइटिंग और भी मल्टीपल तरह के कोर्स आपको हम लोगों ने यहाँ पे सेल करने के रखे हैं, यही नहीं NLP या और भी जो कोर्सेज होते हैं उन सबको भी सेल करने के राइट्स यहाँ पे हम आपको देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसको एक उदाहरण के थ्रू समझाऊं, हमने आपको एक मॉल बना के दे रखा, एक एजुकेशन का मॉल आपके हाथ में है, उस मॉल के ऊपर या तो उस मॉल को लेके आप स्कूलों के अंदर जा रहे हैं, कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं और ऑडियंस से बता रहे हैं कि ये मेमोरी टेक्निक क्यों इंपॉर्टेंट है, उन कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद वो लोग उस मॉल में से जो भी चीज उनको पसंद आ रही है उस चीज के लिए आपको पैसा दे रहे हैं और उस मॉल में से आप जो भी कोर्स है उसका यूजर नेम पासवर्ड उठा के बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो या तो दोस्तों ये बना बनाया ऐप है जहां पे आपको सेल करने के लिए 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, अब आपका प्रॉफिट क्या रहेगा दोस्तों, मैंने आपको बताया सर दोस्तों इस एप्लीकेशन में 100 रुपए से लेके कम से कम 10,000 रुपए तक के कोर्स अवेलेबल है, जहां पे मैं आपके कमीशन की बात करता हूं आपको अप टू 50% तक कमीशन दिया जाता है। यहाँ पे हमने 3 कैटेगरी बांट रखी है, कैटेगरी 1 इट मीन जो कंपनी का ओन प्रोडक्ट है उसके ऊपर मार्जिन रहता है आपका 50%, जैसे मेमोरी टेक्निक कंपनी का ओन प्रोडक्ट है वहां पे आपका मार्जिन है 50%,
कैटेगरी टू जहां पे हम वहां पे अदर ट्रेनिंग जैसे अबेकस वेदिंग मैथ, ये हमारे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है जहां पे हमारे टीचर्स बाहर के टीचर्स है जिन्होंने हमें वीडियोस प्रोवाइड कर रखे हैं, वहां पे हमें टीचर्स को भी कुछ शेयर देना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पे आपका कमीशन रहेगा 40% उन कोर्सेज को सेल करने के ऊपर, 30% रहता है लाइव ट्रेनिंग। हमने यहाँ पे मेमोरी, अबेकस, वैदिक मैथ्स, एनएलपी इन सबकी लाइव क्लासेस भी डाल रखी है, उसके अंदर जो आपका कमीशन रहता है वो कमीशन रहता है दोस्तों 30%। तो यहाँ पे देख तरह से आपको हमने पूरी एक प्रोडक्ट लिस्ट दे रखी है जहाँ पे 100 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक कोर्स है। अब आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको ज्यादा कमीशन लेना है तो आप कैटेगरी वन के कोर्स दीजिए, लेकिन हो सकता है बच्चों कैटेगरी वन के अलावा कैटेगरी टू थ्री वाले भी प्रोसेस प्रोडक्ट वो ले सकता है, तो उसके अंदर भी आपको दोस्तों इनकम मिल रही है। यही नहीं दोस्तों, एक इनकम और है आपकी, दूसरी इनकम क्या है, सपोज आपने एक बार साल भर में मेहनत करके 500,000-2,000 बच्चों तक एक बार कोर्स सेल करके अपना रेवेन्यू बना लिया, लेकिन यही 1,000-2,000 बच्चे जब दूसरी बार उस एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, कंपनी उनको रेगुलर कोई ना कोई कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, नोटिफिकेशन भेजती है। अब बच्चा जब जब उस कोर्स को परचेस करतेगा या दूसरे कोर्स को परचेस करेगा, हर कोर्स के ऊपर जो भी आपका कमीशन है 30-40-50 वो भी आपको बैठे बैठे नॉन वर्किंग का मिलता रहे। सपोज आज बच्चे ने अबेकस का लेवल 1 लिया, अब लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 ऐसे 7 लेवल तक बच्चा लेते जाएगा, हर लेवल के ऊपर आपको बैठे बैठे नॉन वर्किंग का पैसा मिलता रहेगा। तो दोस्तों एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप अपना खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों दो तरह की फ्रेंचाइजी है जहां पे कहीं ना कहीं आप हमारे साथ में मिलके खुद के लिए एक नोबल जो कि एक नोबल टास्क है, बच्चों के लिए हेल्प है, तो उनको डिप्रेशन है, मेन प्रॉब्लम है एजुकेशन के ऊपर जिसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे रहे हैं, लेकिन उसी के साथ में एजुकेशन के अंदर एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आप जिस दिन स्टार्ट करेंगे, जिस दिन आप इनॉग्रेशन करेंगे उसके अगले दिन से ही आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। आपका ब्रेक इवन तो आएगा लेकिन आप प्रॉफिट में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेन और पांचवा टॉपिक जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे फ्रेंचाइजी कॉस्ट क्या होने वाला, कहीं ना कहीं हमारी टीम ने आपको ऑलरेडी बताया होगा या फिर हमारे एड में भी आपने देखा होगा हमारी फ्रेंचाइजी कॉस्ट के बारे में। दोस्तों फ्रेंचाइजी कहीं ना कहीं आपने ऑलरेडी काफी फ्रेंचाइजी, आज चाय की भी फ्रेंचाइजी मिलती है सर, उसके लिए भी लाखों रुपए लोग देते हैं उस काम को स्टार्ट करते हैं। आज प्ले स्कूल की भी फ्रेंचाइजी लेनी होती है उसमें भी 1-1.5 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगता है और उस काम को स्टार्ट करके लोग बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद प्रॉफिट में आते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम आपसे लाखों रुपए नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे एक मिनिमम हमने कॉस्ट रखी है, उस कॉस्ट के अंदर मैक्सिमम पैसा हम आपकी सर्विस के ऊपर ही खर्च कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ ट्रेनर फ्रेंचाइजी, ट्रेनर फ्रेंचाइजी जो आपकी कॉस्ट यहाँ पे है वो कॉस्ट है 30,000, इट मीन 30,000 रुपए एक हमने कॉस्ट रखी है आपके लिए, जिसके अंदर आप 30,000 के अंदर आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग, आपकी ऑफलाइन ट्रेनिंग जो मैंने आपको बताई थी, ऑफलाइन ट्रेनिंग के अंदर आपका रहना खाना वो सारी सर्विस इसी में इंक्लूड है आपकी, उसके अलावा हर वीक आपकी सेल्स और मार्केटिंग की ट्रेनिंग डेली बेसिस, जैसे मॉर्निंग में आप उठते हैं आपको मॉर्निंग के अंदर ग्रीटिंग्स कहीं ना कहीं बच्चों को भेजने के लिए जो पैम्पलेट्स वगैरह चाहिए होते हैं, भूलना भूल जाओगे या मेमोरी अपनी मेमोरी 10x ऐसे डेली बेसिस पे पैम्पलेट्स बने बने डिजाइनिंग वाले पैम्पलेट्स वो सारी सर्विस दी जाती है। आपके लिए पर्सनलाइज वेबिनार जब आप स्कूल के अंदर जाते हैं, मान लीजिए स्कूल के मैनेजमेंट से बातचीत करने में अटक रहे हैं, आप हमारे ट्रेनर से मैनेजमेंट की बातचीत करा सकते हैं, तो कहीं से 30,000 के अंदर एक बना बनाया बिजनेस मॉडल, आपकी ट्रेनिंग, ये सारी चीजें इंक्लूड है। कहीं ना कहीं इसकी पीपीटीज वगैरह जो भी कंटेंट हमने कॉपीराइट करा रखे इसी बिजनेस को आप ले जाकर कैसे स्टार्ट करें उसकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है दोस्तों। तो 30,000 कहीं ना कहीं हम आपके सिखाने, हम आपको सिखाने ऊपर खर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग ये 30,000 रुपए खुद के लिए एक नई टीचिंग स्किल को सीखने के साथ साथ उसी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें पे कर रहे हैं। अगर इसके ब्रेक इवन की भी बात करता हूं, एक स्कूल में भी अगर आपने वर्कशॉप कर दिया ये पैसा आपका बाहर निकल के आ गया, या फिर अगर मान लीजिए पूरे साल भर में 6 बच्चों को भी पढ़ा लिया, साल भर में 6 तो नहीं पढ़ाएंगे ज्यादा, लेकिन मैं मिनिमम बात करता हूं जिस दिन आपने 6 बच्चों को भी पढ़ा लिया, 5,000-5,000 फीस भी ले ली, ये 30,000 रुपए आपके बाहर आ गए 6 महीने के कोर्स। लेकिन अब 6ठे बच्चे का 7वें बच्चे से लेके अगले 70 बच्चे, 700 बच्चे या 7,000 बच्चों तक जितने बच्चों को आप जिंदगी भर पढ़ाएंगे, कंपनी को आपको एक रुपया एक रॉयल्टी क्या आपको पे नहीं करनी दोस्तों। तो एज ए ट्रेनर आपका इन्वेस्टमेंट है 30,000 रुपए जो पे करके आप बन सकते हैं एक मेमोरी ट्रेनर। उसी के साथ दोस्तों आपके लिए दूसरा फ्रेंचाइजी मॉडल है हमारे पास में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी, जहां पर अगर मैं बात करता हूं अगर खुद के लिए आपको ऑनलाइन ऐप बनाना है, आप खुद एक इमेजिन करिए, अगर मान लीजिए जो प्लेटफॉर्म में आपको दे रहा हूं इतने सारे मेमोरी ट्रेनर, अबेकस वैदिक मैथ्स और भी ढेर सारे कोर्स, अगर आपको ऐसा प्लेटफॉर्म आज डिजाइन करना है उसका बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो आपको ऐप बनाना पड़ेगा। चलो ऐप भी 10-15 हज़ार में बन गया, क्लास प्राइस है और भी लोग देते हैं। ऐप बनाने के बाद उसमें कोर्स लाने के लिए आपको टीचर लाने पड़ेंगे,
आप पहले टीचर्स लेके आएंगे, उन टीचर्स से वीडियो शूट कराएंगे, उनके लिए आपको उनको टीचर्स को पे करना पड़ेगा, टीचर्स को पे करने के बाद चलो ठीक है आपने कोर्स तो सेल कर लिए, लेकिन कोर्स सेल करने के बाद उनके लिए आपको बच्चों को सर्विस देने के लिए सीआरएम टीम, एचआर टीम, ऑपरेशन टीम उनको भी रखना पड़ेगा, उसके अलावा आईटी के ऊपर भी हर साल खर्च होता है दोस्तों, उस पूरे मैनेजमेंट को इन सारी चीजों पर खर्च करने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और लाखों रुपए खर्च करने के बाद में एक्चुअल जो प्रॉफिट आता है सारा खर्चा निकालने के बाद वो आपको बचना उतना ही है, 40-50-30% जो मैंने आपको बताया था बचना उतना ही है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहूं कि आपको बना बना ऐप, बना बना प्लेटफॉर्म अगर मैं 30,000 में दूं जिसके अंदर आपको बेचने के ढेर सारे प्रोडक्ट तो भी है, हर महीने इसमें और भी प्रोडक्ट एड ऑन होते जाएंगे, उसका भी आपको अलग से पैसा नहीं देना, तो 30,000 के अंदर आपको बना बनाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिसके अंदर आप जिस दिन स्टार्ट करेंगे पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद जब मार्केट में जाएंगे उसी दिन से आपका जो पैसा है वो तो बाहर निकल रहा है लेकिन आप प्रॉफिट में भी आ जा रहे हैं। तो दोस्तों 30,000 आपका एज अ फ्रेंचाइजी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट है जिसके अंदर आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग, वही जो मैंने आपको बताया फूड एंड अकोमोडेशन हमारी तरफ से आपको दिया जाएगा, आपको एक मैनेजमेंट पोर्टल, जब भी आप स्कूल के अंदर जाएंगे स्कूल के अंदर आपको सिर्फ एवग्लेस एप्लीकेशन डाउनलोड कराना है, डाउनलोड कराते वक्त सिर्फ आपका एक यूनिक कोड है, वो यूनिक कोड बच्चों को बताना कि बच्चा जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आपको बच्चे का नाम, बच्चा अपना नाम डालेगा, मोबाइल नंबर डालेगा, मेल आईडी डालेगा, क्रिएट पासवर्ड करेगा, क्रिएट पासवर्ड के बाद में आपका एक नेम, सपोज आपका नेम है रवि तो रवि123 करके आपका कोड है, जैसे रवि123 वो कोड डालेगा उन सारे बच्चों के कॉन्टेक्ट नंबर आपको अलग से एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दिखाई देता है उसके अंदर आपको दिखाई देने लग जाएंगे। अब आपका काम क्या है, उन बच्चों ने डेमो देख लिया, उन बच्चों को कॉल करना है, एप्लीकेशन में डेमो वीडियो भेजने हैं, और डेमो वीडियो भेजने के बाद उन बच्चों से पेमेंट लेना है, पेमेंट लेने के बाद कंपनी का हिस्सा जो कंपनी को देना है बाकी पैसा आपको, क्योंकि बच्चा पहले पैसा आपको देता है उसके बाद कंपनी का पार्ट आप कंपनी को देते हैं। तो दोस्तों एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप 30,000 लगा के खुद के लिए बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, साथ ही इसके अलावा अगस्त का एक स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए, वो ऑफर क्या दोस्तों, यहां पे पहली बार हम आपको दे रहे हैं 100% कैशबैक, इट मींस आप चाहें तो ये 30,000 जो लगा रहे हैं ये वापस भी क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी आपसे एक टारगेट दे रही है आप पूरे एक साल भर के अंदर, जिस दिन आपसे एनरोल किया उस एनरोल से एक साल के अंदर अंदर अगर आपने 400,000 इट मीन 400 बच्चों को भी, जैसे सपोज एक कैलकुलेशन करता हूं, अगर मेन जो हमारा सेलिंग वाला जो प्रोडक्ट है वो है 2,000 वाला कोर्स, जो 2,000 rupees वाला हमारा जो कोर्स है वो सबसे ज्यादा सेलेबल है, बिकॉज उसमें न्यूमोनिक्स के कॉम्बो है, उसमें ढेर सारे वीडियोस है, वो सबसे ज्यादा सेल होता है। सपोज पूरे साल भर में अगर आपने 200 बच्चों को भी अप्रोच कर लिया, मतलब 200 बच्चों को भी कोर्स सेल कर दिया, उन 200 बच्चों की हम हर महीने एटलीस्ट 100 कोर्स का टारगेट लेते हैं, एक स्कूल में जाओ 100 कोर्स के ऑर्डर तो आते ही आते हैं, तो यहाँ पे भी दोस्तों अगर आपने 200 बच्चों को भी कोर्स सेल कर दिया साल भर के अंदर, और कहने 200 बच्चों को एवरेज 2,000 कोर्स वाले सेल किया, आपका 4,00,000 रुपए के आसपास का बिजनेस वहां से जनरेट हो गया, तो कहने उस 4,00,000 में से 2,00,000 तो आपने वैसे कमा लिए, लेकिन कंपनी आपको कैशबैक का ऑफर भी दे रही है कि आप जिस दिन ये 4,00,000 रुपए कंप्लीट कर लेंगे एक साल भर के अंदर, ये जो पैसा लगाया आपने 30,000, ये 30,000 भी हम आपको वापस रिटर्न करेंगे, राइट। ये सारी चीजें एग्रीमेंट के अंदर रहेगी, क्या क्या सर्विसेज आपको दी जाएगी, सारे प्रोडक्ट क्या करेंगे, उस सब चीज का एक गवर्नमेंट एफिलिएट आपके पास सर्टिफिकेट भी रहेगा, साथ ही एग्रीमेंट भी रहेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं 30,000 रुपये आपका सिक्योर है, आप वर्किंग करेंगे तो, क्योंकि देखिए आपकी इनकम से कंपनी की इनकम जुड़ी हुई, जहां आप कोर सेल करके, जहां मान लीजिए 4,00,000 का बिजनेस किया, 4,00,000 में 2,00,000 आप कमा रहे, कंपनी भी आपसे 2,00,000 कमा रही है, तो कहीं आपकी इनकम से कंपनी की इनकम जुड़ी है। तो दोस्तों एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप 30,000 पे करके खुद के लिए एक काफी अच्छा ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे एक बार तो आप पैसा कमाएंगे लेकिन उन्हीं बच्चों से एक रेगुलर इनकम भी आप लोगों के पास में आते रहेगी। तो जो लोग ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी, जो लोग ऑफलाइन बिजनेस करना चाहते हैं उन लोगों के लिए है हमारे पास ट्रेनर फ्रेंचाइजी। लेकिन आप में से वो लोग जो कहते हैं कि सर मैं तो दोनों ही काम करना चाहता हूं, जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं मैं उनको दे रहा हूँ ऑफलाइन, जो बच्चे मेरे सेंटर पे नहीं आ पा रहे हो सकता है मैं उनको ऑनलाइन, मैं रहता हूँ नासिक के अंदर बट मेरा नेटवर्क पुणे के अंदर भी है, मुंबई में भी है, सूरत में भी, हर जगह मेरा नेटवर्क है, उन बच्चों को मैं ऑनलाइन कोर्स सेल करके अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, या फिर स्कूल के अंदर जा रहा हूं, स्कूल के अंदर मैंने वर्कशॉप दे दी, वर्कशॉप देने के बाद वो जो 100 rupees वाला वर्कशॉप दिया उसके बाद में बच्चे मेरे, क्योंकि स्कूल मेरे से दूर है, मैंने उन्हीं स्कूल के अंदर एप्लीकेशन के कोर्स भी सेल आउट कर दिया, बच्चों अगर और सीखना है मेरी एप्लीकेशन के थ्रू और भी आप कोर्स के वीडियोस देख सकते हो। तो कहीं दोनों तरह का जो काम करना चाहते हैं दोस्तों उनके लिए यहाँ पे कॉम्बो प्लान है जिसका नाम है ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी, जहाँ पे 40,000 के अंदर 40,000 आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग, ट्रेनर के राइट्स, डिस्ट्रीब्यूटर के राइट्स, और बाकी जो भी मैंने पीछे सर्विसेज बताई थी दोस्तों वो सारी आपकी यहाँ पे इंक्लूड है। इसी के अलावा इसी 40,000 के अंदर आपका 100% कैशबैक,
इट मींस मैंने क्या किया, मैंने आपको क्या बोला, आपने सिंपल उन कोर्स को भी सेल किया। कितने कोर्स? सिर्फ और सिर्फ आपने 200 कोर्स को भी सेल किया। 200 कोर्स अब डिवाइड कर लीजिए कम से कम 2000 रुपए के हिसाब से, आपको ये 40,000 कंपनी आपको वापस भी दे रही है। तो दोस्तों आपका ये पैसा बिल्कुल सिक्योर है। ये 40,000 स्टार्टिंग में आपसे क्यों ले रहे हैं? कहीं ना आपको सिखाने के ऊपर, आपकी ट्रेनिंग के ऊपर जो एक्सपेंस होता है, आपके लिए मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और कहीं और भी जो सर्विसेज जो हम आपको रेगुलर देते रहते हैं उस चीज के लिए 40,000 दोस्तों हम आपसे ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं आपके लिए काफी अच्छा सुनहरा मौका है कि आपके लिए खुद के लिए एक नोबल बिजनेस तो करिए, साथ ही जिस दिन आप स्टार्ट करेंगे उसके अगले दिन से ही आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। आगे का प्रोसेस क्या रहता है दोस्तों, देखिए सबसे पहले इसका जो प्रोसेस कहलाता है वो प्रोसेस कहलाता है कि मान लीजिए सर बिजनेस तो समझ में आ गया, चीजें भी समझ में आ गई, ट्रेनर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी क्या होता है, अब हमें करना क्या है। देखिए दोस्तों आगे का जो स्टेप है वो सिंपल सा स्टेप, उसको स्टेप का नाम है JTCS। अब JTCS क्या होता है, देखिए जे मतलब ज्वाइनिंग। सबसे पहले ये सारी चीजें आपको और अच्छे से जाननी है, चीजों को समझना है, और कोई डाउट है वो आपको हमारी टीम से क्लियर करने हैं। अभी मैं आप लोगों के बीच में हूं, मुझसे सारे डाउट्स आपको पूछने हैं। उन सारी चीजों को क्लियर करने के बाद में मतलब ज्वाइनिंग प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। ज्वाइनिंग प्रोसेस में जो भी फ्रेंचाइज मॉडल आपको अच्छा लग रहा है वो फ्रेंचाइज मॉडल आपको लेना है। ट्रेनर अच्छा लगता है ट्रेनर लेना है, डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा लगता है डिस्ट्रीब्यूटर, अदरवाइज दोनों ही फ्रेंचाइज मॉडल अच्छे लगते हैं तो आपके ऊपर मौका है कि आप दोनों फ्रेंचाइज मॉडल ही ले सकते हैं। आपको लगता है तो ट्रस्ट इशू है, ट्रस्ट इशू इट मींस आप हमारी टीम से वीडियो कॉल करके पूरा टेक्सचर का इंफ्रा विजिट कर सकते हैं, मेरे से वीडियो कॉल पे बातचीत कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके भी वहां पे भी आप लोग पेमेंट पे कर सकते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको सारी चीजों के सारे डाउट्स को क्लियर करने के बाद आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस करना, जहां पे आपको जो भी फ्रेंचाइजी अच्छी लगी उसका पेमेंट आपको या तो बुकिंग के रूप में कर सकते हैं या फिर 10,000 है हमारा ट्रेनिंग कॉस्ट, आप 10,000 पे करके हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग, क्योंकि यहाँ पे अजमेर आने से पहले 2 दिन की ऑफलाइन ट्रेनिंग से पहले पहले हम आपको प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग। आप 10,000 पे करके अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, रेस्ट अमाउंट जब भी आप अजमेर में आते हैं आप यहां आके भी पे कर सकते हैं, या फिर कुछ स्पेशल ऑफर है जिसके लिए आपको टीम को अभी वेबिनार के बाद कॉल करना है, जहां पे अगर इस फ्रेंचाइजी कॉस्ट की, क्योंकि जो मैंने आपको अभी प्राइसिंग बताई थी ये हमारी स्टैंडर्ड प्राइस है, बट कुछ स्पेशल ऑफर है अर्ली 7 करके हमारा एक कॉन्टेस्ट चल रहा है अर्ली के 7 तारीख पहले पहले अगर जो भी आप डिसीजन लेते हैं फ्रेंचाइजी के बारे में वहां पे इन फ्रेंचाइजी कॉस्ट के अंदर भी आपको कुछ बेनिफिट दिए जा रहे, तो उसके लिए आपको टीम से कॉन्टेक्ट करना है, या फिर अगर आप वन शॉट पेमेंट करते हैं इसी महीने पूरा पेमेंट करते थे या फिर अजमेर आके पूरा पेमेंट करते हैं उसके अंदर भी कुछ स्पेशल ऑफर दिए जा रहे हैं फ्रेंचाइजी कॉस्ट को लेके और कहीं ना कहीं टारगेट। तो दोस्तों उसके लिए आपको टीम से बातचीत करनी है और कहीं ना कहीं अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले होगा जे फॉर ज्वाइनिंग, जहां पे केवाईसी साथ ही जो भी फ्रेंचाइजी या जो भी ऑफर आपको लॉक कराना है उसके लिए आपको पेमेंट डालना है। जैसे आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके जस्ट बाद में हम आपकी स्टार्ट कर देंगे ट्रेनिंग, इट मींस T4 ट्रेनिंग, जे फॉर ज्वाइनिंग T4 ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग जो कि ऑनलाइन मेथड्स की ट्रेनिंग तो होगी, इसके अलावा सेल्स और मार्केटिंग की ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट जब आप अजमेर आएंगे अजमेर के अंदर 2 दिन की ट्रेनिंग के अंदर इन मेथड्स का और तो आगे चीजें सिखाएंगे, साथ ही वो जो 2 डेमो है उन दो डेमो को भी हम आपको परफॉर्म करके, इट मीन्स आप जब सेकेंड डे जाते हैं हम आपके वीडियो बाइट शूट कराते हैं, जैसे आपने बाकी लोगों के वीडियो बाइट्स देखे होंगे कैसे उन्होंने कॉन्सेप्ट को देखा, आपकी तरह ऑनलाइन जूम मीटिंग अटेंड करी, अजमेर आए 2 दिन की ट्रेनिंग लेके गए और 2 दिन की ट्रेनिंग के अंदर कंपनी ने जो भी चीजें उनको बताई थी वो सारी चीजें प्रैक्टिकल हुए और कहीं ना कहीं वो 2 दिन की ट्रेनिंग के अंदर उन चीजों को सीख के भी गए और कहीं ना अब अपने एरिया में जाके बिजनेस भी स्टार्ट करें। कहीं ना कहीं एक आएगा स्टार्टिंग का फीडबैक वीडियो जो लोग ट्रेनिंग लेके, बाकी और भी वीडियो है जो कहीं ना आफ्टर फ्रेंचाइजी जिन लोगों ने इन मेमोरी टेक्निक को ले जाके अपना काम स्टार्ट किया है उनके भी वीडियोस आप देख सकते हैं, राइट। तो कहीं ना T4 ट्रेनिंग आपकी हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफलाइन ट्रेनिंग, उसके बाद जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है उसके बाद हम आपको देते हैं C4 सर्टिफिकेशन, J4 ज्वाइनिंग T4 ट्रेनिंग C4 सर्टिफिकेशन, इट मींस आप हमारे सर्टिफाइड ट्रेनर है अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटर है उनमें से जो भी आप लेवल पे उसका हम आपको फ्रेंचाइज सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों J4 ज्वाइनिंग T4 ट्रेनिंग C4 सर्टिफिकेशन एंड लास्ट में आता है S4 स्टार्टअप। अब मार्केट में स्टार्ट करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, जितना रेवेन्यू आप जनरेट करेंगे उसका 50% कंपनी ले रही है, तो कंपनी आपके पीछे लगी रहेगी इसका कैसे आपको साल भर का कम से कम जो आपने लगाया 30,000 वो 30,000 लगा के कैसे आप 10,00,000 अर्न कर पाएंगे उसका प्रैक्टिकल एक रोडमैप आपको बना के देती है कि साल में अगर 10 स्कूल को भी अप्रोच कर लोगे आप कि 10,00,000 रुपए आपके वहां से आए, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं इतनी सारी स्कूल है तो दोस्तों काफी बड़ा टारगेट ऑडियंस है, काफी सारे कहीं ना कहीं मार्केट साइज काफी बड़ा है। दोस्तों ये मौका है
खुद के लिए एक काफी अच्छा बिजनेस को स्टार्ट करने का। तो दोस्तों जेटीसीएस प्रोसेस आपको समझना है, इसलिए आपको टीम से बातचीत करनी है और कहीं ना कहीं जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपको क्लियर करने। उसके अलावा कुछ मास्टर फ्रेंचाइजी प्लान भी हमारे आप में से वो लोग जिनको लगता है सर और मुझे बड़ा करना है, मैं कहीं ना कहीं मॉडल अच्छा लगा बच्चों के लिए काफी फायदा का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे हमारे कुछ मास्टर फ्रेंचाइजी भी है। ट्रेनर डिस्ट्रीब्यूटर कितने भी हो सकते हैं लेकिन मास्टर फ्रेंचाइजी कोई एक ही हो सकता है जिनको हम चार अलग अलग पोजीशन में बनाते हैं। पहला बनाते हैं सिटी पे, दूसरा डिस्ट्रिक्ट पे, तीसरा जोन पे और एक होता है स्टेट, जहां पे आपको काम करने का भी पैसा मिलता है, काम नहीं भी करता तो कंपनी जो काम कर रही है उसके ऊपर आपको नॉन वर्किंग का पैसा भी मिलता है। जहां पे तीन तरह की इनकम है, सेल वर्किंग खुद जो कोर सेल करेंगे उसके ऊपर, खुद सेल नहीं करेंगे उसके ऊपर भी आपको टीम के इट मीन्स आपकी सिटी के अंदर जितने भी ई कंसल्टेंट या डिस्ट्रीब्यूटर या ट्रेनर आ रहे हैं वो लोग काम करेंगे खुद के लिए, लेकिन उनके काम करने के ऊपर रेस्ट 50 मान लो 50% हम डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं लेकिन 50% जो कंपनी के पास में आता है कंपनी उनमें से सिटी को 5%, डिस्ट्रिक्ट को 5%, जोन तो नॉन वर्किंग का भी आपको पैसा मिलता रहता है। दूसरी इनकम वो हो गई। तीसरा जैसे कंपनी काम कर रही है फ्रेंचाइजी ओपन कराने का, आप में जो वो पर्सन जो सेल्स में एक्सपर्ट है जिनका नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है जो कहीं B2B में कंपनी की हेल्प कर सकते, तो आप लोगों को फ्रेंचाइजी ओपन का भी मौका देते हैं। पूरे इंडिया के अंदर आप हमारी फ्रेंचाइजी डेवलप कराओ और फ्रेंचाइजी जो भी ओपन होगा जो भी हम अमाउंट वो पे करेंगे फ्रेंचाइजी उसके ऊपर भी आपको एक अच्छा काफी अच्छा कमीशन बनता है दोस्तों। तो ये थी मास्टर फ्रेंचाइजी जिसका इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख से स्टार्ट होता है। तो आप में से वो लोग जिनको कहीं ना कहीं बड़ा और पैसा कमाना है, उनको लगता है कि सर मुझे एक बड़े लेवल पे काम करना है, तो वो लोग मास्टर फ्रेंचाइजी हमारे साथ में जा सकते हैं। मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए अगर आपको बातचीत करना है अलग से इस कॉन्सेप्ट के इस चीजों के बारे में तो कहीं ना कहीं सेल्स टीम के थ्रू मेरे से एक टाइम ले सकते हैं। उसके ऊपर डिटेल के अंदर कैसे उसमें रेवेन्यू जनरेट होगा, कैसे काम होगा, क्या शेयरिंग मिलेगी, उसका ROI क्या रहेगा, उसके बारे में अच्छे से डिटेल्स के अंदर आप लोगों से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं दोस्तों। ये स्क्रीनशॉट है, ये बैंक डिटेल आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब आते हैं सर दोस्तों मेन टॉपिक के ऊपर, Q&A सेशन। इस पूरे बिजनेस मीटिंग के अंदर अगर आपके कोई सवाल है तो यहाँ पे आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं या फिर चैट के अंदर भी अपने सवाल को लिख सकते हैं कि क्या बिजनेस मॉडल है, क्या कॉन्सेप्ट है। दोस्तों मैं वादा करता हूं इस कॉन्सेप्ट को जिस दिन स्टार्ट करेंगे सेकंड डे से ही आप इसका ब्रेक इवन लेके आए। एक हमारे साथ में राहुल जी एक बार हैंड रेस किया है, और अगर किसी का सवाल है तो कहने का तो चैट बॉक्स में आप अपने सवाल को टाइप कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे हैंड रेस कर सकते हैं। सवाल दोस्तों सवाल देखिए दो चीजों की वजह से नहीं आते, या तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल इजी है, या दूसरा रीजन सर कुछ भी समझ में नहीं आया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं चीजें बिल्कुल इजी है, थोड़ा टीम से और बातचीत करनी और कहीं ना अपने डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करने। एक बार राहुल जी ने हैंड रेस किया, राहुल जी एक बार आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आपको। जी गुड इवनिंग सर। यस सर गुड इवनिंग, कैसे राहुल जी? बस बढ़िया सर, आप बताए सर। बस कहाँ से बात कर रहे हैं सर? सर मैं MP से बिलोंग कर रहा हूँ, इंदौर सिटी से बिलोंग करता हूँ। MP इंदौर से? जी। बहुत बढ़िया सर। इंदौर में सर अभी जस्ट हम लोगों ने सेमिनार भी किए थे और कम से कम 6 से 7 फ्रेंचाइजी काम करी है सर इंदौर के अंदर। अच्छा। जी बताएं, आपने क्वेश्चन इसमें दिखाया कि डिस्ट्रीब्यूटर अगर 1 साल के अंदर 4 लाख का कोर्स सेल कर देता है, रेवेन्यू कर लेता है, तो उसका जो लगाया हुआ पैसा है वो वापस कैसे मिलेगा? जी मुझे वो एक बार वापस समझा दीजिए, एक बार कैसे समझना है तो उसके बारे में। देखिए दोस्त, देखिए राहुल जी सिंपल सा सवाल है इसका। देखिए मैंने आपको क्या टारगेट दिया, कंपनी चाहती है कि आपका जो पैसा लगा है बिल्कुल जल्द बहुत जल्दी आप बाहर निकाल लें, राइट। और कहीं ना कहीं काफी लोग चाहते हैं पैसा भी क्यों ले रहे हैं हमसे, फ्रेंचाइजी कॉस्ट हम ले रहे हैं कहीं आपके इन्वेस्टमेंट के बदले आपको कुछ सर्विस देने के लिए, राइट। लेकिन हम चाहते हैं कि आपका पैसा जल्दी बाहर, इसलिए कंपनी ने एक टारगेट दिया, अगर आपको ये 40,000 जो या 30,000 आपने लगाया है ये अगर आपको वापस लेना है तो कहीं ना कहीं आप काम क्यों करेंगे खुद के लिए। कंपनी ने आपको कैशबैक दे दिया कि हम चाहते हैं आप ये पैसा वापस क्लेम कर ले, इसके लिए कंपनी ने छोटा सा टारगेट दिया आपको कि आप 4 लाख का बिजनेस। अब 4 लाख का बिजनेस हो सकता है कि आपने 2,000 का कोर्स सेल करके 200 बच्चों तक कवर कर लिया, या हो सकता है कि आपने 1,000 वाला कोर्स सेल किया 400 बच्चों तक, इट मीन्स कैसे भी वॉल्यूम करके हो सकता है कि हमने 10,000 वाले कोर्स ही सेल कर दिए बहुत सारे, राइट। हो सकता है कि वो कम से कम 40 कोर्स के अंदर ही 40 कोर्स भी आपने सेल कर दिए 10,000 के, तो भी आपका 4 लाख रुपए आपने बाहर कर लिया। अब उस 4 लाख में से 2 लाख तो आपने डायरेक्ट कमा लिए, लेकिन कंपनी अगर जैसे आपका 4 लाख रुपए हो जाता किसी भी तरीके से, चाहे वो 10,000 का कोर्स बेच के, चाहे 2,000 का कोर्स बेच के, चाहे 1,000 रुपए का कोर्स, हमें तो मतलब है कि आपने कंपनी के लिए 4 लाख का बिजनेस कर दिया, उस 4 लाख में से 2 लाख कंपनी ने खुद ने कमा लिया और 2 लाख रुपए हमने आपको अर्न करके दे दिए। लेकिन कंपनी उसी के साथ जैसे टारगेट आपका पूरा हो जाता है 1 साल भर के अंदर अंदर, आपको कंपनी आपको जो इन्वेस्टमेंट है 30,000 या 40,000 ये भी आपको एक रिवॉर्ड के रूप में आपको वापस प्रोवाइड कर रही है।
इस वजह से आपका पैसा बिल्कुल सिक्योर है, वो पैसा बात, और ये हम कर रहे हैं आपको एक्टिव रखने के लिए, कहीं ना कहीं आपको पैसा सिक्योर करना है तो आपके लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं सर। सर इसमें एक क्वेश्चन और है सर, इसमें जो एग्रीमेंट बनेगा उसमें ये लाइन रहेगा लिखा हुआ कि जो आप, बिल्कुल मैंने बताया सर ऑलरेडी इसके अंदर बकायदा, जी सर बिल्कुल एग्रीमेंट भी रहेगा, सारी चीजें क्लियर रहेगी, गवर्नमेंट एफिलिएट डॉक्यूमेंट भी रहेगा, सारी चीजें रहेगी, आपको क्या शेयरिंग रहेगा वो सारा इसमें मेंशन रहेगा सर। कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी, अभी देखिए अभी हमने कुछ ऑफर निकाल रखे हैं, आपका जो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट है हम हर 3 साल के अंदर कहीं ना कहीं आपसे रिन्यूअल फीस लेते हैं, बट अभी कहीं ना कहीं हमने जो ऑफर निकाल रखे हैं उसके अंदर हम आपसे रिन्यूअल फीस नहीं ले रहे, सिर्फ 3 साल बाद में आपका हमारा एग्रीमेंट रिन्यू होगा बस। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये लाइफ टाइम फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी, आपको एक ही बार पैसा पे करना है इस काम को स्टार्ट करने के लिए, सिर्फ 3 साल बाद एग्रीमेंट को रिन्यूअल करेंगे हम लोग। चलिए सर नरेंद्र सर, मैं आपसे अभी जुड़ूंगा वापस से और मैं एक बार टीम से बात कर लेता हूँ आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिसने भी आपको आज का लिंक दिया है ट्राई कीजिए, अगर उनसे बातचीत करिए, जो भी आपके डाउट्स उनको क्लियर कीजिए सर। ठीक है सर, ओके राहुल जी। चलिए दूसरा एक सवाल हम लोग लेते हैं, रंजीत कुमार जी। रंजीत जी अगर मैं आपको अनम्यूट करना चाहूंगा, एक बार हैंड रेस किया आपने, अनम्यूट होइए एक बार। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप? बिल्कुल बढ़िया सर। यस सर, कहाँ से रंजीत जी आप? मैं बिहार से हूँ सर। अच्छा, बिहार। बिहार गवर्नमेंट में मैं शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ अभी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। हमारा एक क्वेश्चन है कि हम, आप 4 to 10th की बात कर रहे थे सर, उतने क्लास को मतलब इसको सिखाया जा सकता है, क्लियर? जी हाँ। तो सर हम 10th क्लास या 9th क्लास जो भी सीनियर सेक्शन होता है सर, तो उसमें वो सब्जेक्ट वाइज आप सिखाते हैं, उसमें बताते हैं कि हाँ इन चीजों को कैसे आप याद कर सकते हैं या इसको कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, मेमोरी में रख सकते हैं, या फिर अपना जो बिजनेस रहता है या अपना जो मॉडल है उसको बता देते हैं ताकि वो अपना सब्जेक्ट पूरा कर लेता है, तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है सर, ये हम समझ नहीं पाए। चलिए मैं बताऊं, देखिए सर मैंने 2 चीज यहाँ पे बोली थी, मेमोरी टेक्निक सभी बच्चों के काम का कॉन्सेप्ट है, राइट? ये चाहे 4th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों ही नहीं, अगर उनसे बड़े बच्चे भी है, चाहे वो 11th 12th के हैं या कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या एक टीचर भी क्यों नहीं है, मेमोरी टेक्निक का कॉन्सेप्ट सबके लिए हेल्पफुल है, सबका रिजल्ट यहाँ पे इम्प्रूव होता है। लेकिन 4 to 10th जो हमारा अकेडमिक वाला जो कॉन्सेप्ट है, उस जो हमारा कोचिंग सेंटर ओपन करते हैं उनके लिए मैंने क्यों बोला कि 4 to 10th के अंदर जितना भी अपना टॉपिक रहेगा वो लगभग कंटेंट, क्योंकि हम कंटेंट के ऊपर काम करते हैं, हम कि बच्चों को कैसे कह रहे बच्चों हिस्ट्री की ईयर को कैसे मेमोराइज करना है। अब हिस्ट्री की ईयर में होता क्या है, वहां पे सारे नंबर है, सपोज महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 के अंदर, अभी 1869 के लिए बच्चा दिमाग में कोई पिक्चर नहीं बना पा रहा, हमने हमारे विबग्योर मेथड, जहां पे हमने 18 जो सेंचुरी है उसको विबग्योर मेथड से कलर में कन्वर्ट कर दिया, सेम 6 और 9 ये जो ईयर है इसको भी हमने क्या किया, मेथड लगा के इसकी भी पिक्चर क्रिएट कर दी, और उसके थ्रू बच्चों को पूरा जो हिस्ट्री की ईयर है महात्मा गांधी का वो एक बार में याद करना सिखा दिया और परमानेंट उसको याद रहेगा। तो अब हो सकता है कि बच्चा है 4th क्लास लेकर 10th क्लास में किसी भी, अब यहाँ पे 4 to 10th के बच्चों के साथ ये सब्जेक्ट सेम रहने वाला है, हर बच्चे के हिस्ट्री की ईयर आती आती है, हर बच्चे के बायो के डायग्राम आते आते हैं, केमिकल रिएक्शन आती आती है, लेकिन जैसे ही बच्चा 10th प्लस जाता है उनके सब्जेक्ट अलग अलग होने लग जाते हैं, उन बच्चों को आप अलग से पढ़ाते हैं। 4 to 10th अगर बच्चे हैं, अगर आपके कोचिंग सेंटर में आ रहे हैं उनको आप कंबाइंड पढ़ाए, बड़े बच्चे आते हैं आप उनको अलग से। अब दूसरा आपका सवाल था सर, क्या हम सब्जेक्ट उनको सिलेबस के अकॉर्डिंग देंगे? नहीं सर, देखिए हम बच्चे को विकलांग नहीं, हम क्या सिखा रहे बच्चों हिस्ट्री की ईयर कैसे याद करनी है, हिस्ट्री की ईयर को याद करना सिख, हिस्ट्री की ईयर सपोज हमने याद करना सिखा दिया, आज बच्चा कौन सी क्लास में है, 8th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर बच्चे ने अप्लाई कर लिया, अब जब 9th में जाएगा 9th में भी अप्लाई करेगा, 10th में जाएगा 10th में भी अप्लाई करेगा, उसी तरह बच्चा 11th क्लास में भी है 10th क्लास के अंदर, एक बार उसको हिस्ट्री के ईयर का मेथड हमने याद करना सिखा दिया वो खुद उस मेथड को वो अप्लाई करेगा और अपना रिजल्ट, इट मीन उसको इतनी मेहनत भी नहीं लगेगी, बने बने सारी चीजें है, मेथड को सिर्फ अप्लाई करना है और अप्लाई करके बच्चा खुद अपना रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं सर यहाँ पे जो आपका सवाल था, एक तो कंबाइंड स्टडी है सिर्फ और सिर्फ कोचिंग सेंटर वालों के लिए, बाकी जो बच्चे हैं 11th क्लास या कॉम्पिटिव उनके लिए अलग से क्लासेस चलती है, उसके लिए 10 दिन का कोर्स होता है, उस 10 दिन में भी क्या क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना वो सारा सेटअप हम बना के देते हैं। अब आपके पास बड़े बच्चे आ रहे हैं या छोटे, उन सबको आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है सर, मतलब है ना, यही जानना चाह रहे थे। जी जी जी, बाकी आप बड़े बच्चों को किसी भी स्टैंडर्ड के बच्चों सबके काम का कॉन्सेप्ट है, राइट? इसके कंटेंट सर, इसके कंटेंट्स आपके पास रहते हैं, क्लियर? कंटेंट्स सर हमारा क्या, देखो हमने चीजें कॉपीराइट करा रखी है, हमारा काम है बच्चों को मेथड्स के ऊपर ट्रेनिंग देना।
इसको और आपका जो सवाल था इसको उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ। सपोज आज कोई स्पोकन इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, किसी बच्चों को मान लीजिए अंग्रेजी बोलना नहीं आता, वो स्पोकन इंग्लिश कोचिंग सेंटर के अंदर गया, वहां पे उसने अंग्रेजी बोलना सीख लिया। अब अंग्रेजी बोलना सीखने के बाद जरूरी नहीं है कि उसके टीचर्स ने उस समय जो भी जो जो सेंटेंस उसको याद कराए होंगे या पढ़ाए होंगे वही उसको याद रहेंगे। उसको अब सीखने के बाद ट्रेन होने के बाद अब उसको कोई सा भी पेपर न्यूज़पेपर दे दो, मैगजीन दे दो, वो उसको भी पढ़ सकता है सुना सकता है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये 14 टेक्निक्स हमने एक बार बच्चों को सिखाती है कि बच्चों पैराग्राफ कैसे याद करना है विजुअलाइज तरीके से, स्टोरी बना बना के। जैसे कैसे हम मच के कैलकुलेटर को, ये निमोनिक का एग्जाम्पल है, हम कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल को बच्चों को स्टोरी बना बना के याद कराते हैं, हाय लीना खाओ रबड़ी सस्ती फ्री। तो उसी तरह जो भी टॉपिक्स जो बच्चों को याद नहीं हो पा रहा उसको विजुअलाइज तरीके से कैसे याद करना, उसका ट्रेनिंग लेने के लिए आपके पास में आ रहा है। अब वो ट्रेनिंग लेना, वो ट्रेनिंग ले चुका है, अब वो जिस भी क्लास में जाएगा या जो भी टॉपिक आएगा किसी भी साल, वो खुद मेथड को अप्लाई करेगा और अपना रिजल्ट बढ़ाएगा। सर आप थैंक यू सर, ठीक है जी। तो एक बार जिसने भी आपको इनवाइट किया ट्राई कीजिए, कुछ स्पेशल ऑफर चल रहे हैं फ्रेंचाइजी कॉस्ट को लेके, और कहने ऑनलाइन ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप उनसे चीजों को और अच्छे से जान सकते हैं सर। श्योर श्योर सर। राजेश जी का मैं एक सवाल लेना चाहूंगा, राजेश जी एक बार अनम्यूट हो सकते हैं आप, राजेश राठौड़ जी। यस सर, नरेंद्र सर, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग राजेश सर, कैसे हैं? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? बस एकदम बढ़िया सर। कहाँ से राजेश सर आप? आगरा यूपी से बात कर रहा हूँ मैं। आगरा से, बहुत बढ़िया सर। यस सर बताएं। मेरा मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं अपने बारे में, तभी क्योंकि मेरा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा वैलिड लगेगा जी। करने से पहले मैं लास्ट 20 ईयर से एजुकेशन इंडस्ट्री में टीचिंग में नहीं हूँ। ओके। मैं एजुकेशन सेल्स में हूँ। ओके। लास्ट 20 ईयर से मैं काम कर रहा हूँ, और कुछ टाइम पहले बीच में मैंने निमोनिक्स पर कुछ काम किया था, बट बहुत डिटेल में काम नहीं कर पाया था, बट बहुत ज्यादा मैं ईगर था निमोनिक्स को लेकर के। जी। तो मैं इस निमोनिक्स के बारे में तो मुझे कोई डाउट नहीं, कॉन्फिडेंट हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है और ये प्रैक्टिकल है, ये साइंस है जो काम करती है। बट अब मेरा जो क्वेश्चन है उस लेकर, इसको लेकर के, कि हम अगर आप जैसे आपके साथ एसोसिएट होकर के काम करते हैं, तो हम जैसे कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम स्कूल में ना जाएं और बाकी कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम बच्चों को कहीं किसी सेमिनार में कैसे, आपके पास में क्या बैकअप लाने के, वहां कैसे इन्वाइट कर सकते हैं? हेलो हेलो सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ आवाज आ रही है। लास्ट लाइन मुझे वापस रिपीट करेंगे सर थोड़ा सा? मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे हम लोग, आपने बताया कि स्कूल में किस तरीके से प्रेजेंटेशन देना है, स्कूल से बच्चों को कैसे जनरेट करना है बिजनेस को, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर बिना स्कूल जाए हम लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे किसी सेमिनार के माध्यम से अगर बच्चों को इन्वाइट करते हैं, तो उसके लिए कोई आपने प्लान बनाया सर? बिल्कुल बना रखा है सर। देखिए हम सेल्स और मार्केटिंग के 4-5 तरीके अपनाते सर यहाँ पे। एक तरीका तो है, जैसे एक तो होता है स्कूल के अंदर जाके स्कूल के सामने डेमो देना। अब काफी लोग ऐसे, सर मैं सेल्स कर सकता हूँ लेकिन डेमो नहीं दे सकता, राइट? काफी लोग में ये भी आता है कि सर मैं स्टेज, तो कहीं ना हम लोग 2-3 चीजें, एक तो करते हैं वेबिनार। अगर मान लीजिए आप वेबिनार नहीं कर पा रहे, तो कंपनी के प्लेटफॉर्म के ऊपर वेबिनार प्लान करती है, जहां पे उस वेबिनार के अंदर आप ऑडियंस को इन्वाइट कर सकते हैं। अब ऑडियंस कैसे आएगी, ये भी एक सवाल है। एक ऑडियंस को एक ऑडियंस का तरीका तो अपने स्कूल के अंदर जाके थोड़ी सी मार्केटिंग कर रहे हैं, उन लोगों को लिंक शेयर करवा रहे हैं, स्कूल के ग्रुप्स वगैरह में लिंक शेयर करा रहे हैं, वहां से ऑडियंस आ रही है। दूसरा तरीका सर घर बैठे बैठे डिजिटल मार्केटिंग। कहीं ना कहीं हम लोग फेसबुक, जैसे आप अभी फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ में कनेक्ट हुए सर, एक तरह से फेसबुक को हमने कुछ अमाउंट दिया, उस अमाउंट के बदले में फेसबुक ने आपको हमारा एड दिखाया, वो एड देख के आप इंटरेस्टेड थे, आपने हमारे पास इंक्वायरी करी, हमारे सेल्स टीम से आपने बातचीत करी, और कहने के आज हम एक जूम मीटिंग में बैठे हैं, अच्छा लगता था, इसका बिजनेस करेंगे। सेम काम हम घर बैठे बैठे आपको देते हैं सर, आपको घर बैठे बैठे फेसबुक के थ्रू इंटरेस्टेड पेरेंट्स और बच्चों का डेटा मिल जाता है। जो लोग पूरा न्यूमोनिक का वीडियो देख के, उन्होंने पूरा फॉर्म फिल करके आपके पास वो लोग आते हैं, आपका काम है घर बैठे उन लोगों को उनके काउंसलिंग करना, उनको या तो वेबिनार अगर आपके नियर बाय तो उनसे मिलके, और उनको कोर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन देख के उनसे रेवेन्यू जनरेट करना। तो घर बैठे बैठे भी आप फेसबुक के माध्यम से डेटा या लीड जनरेट करके अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं सर। तो ये कुछ तरीके हैं, बाकी वेबिनार अपने आप में, अदरवाइज सेमिनार, क्या मान लीजिए आप अगर सेमिनार नहीं कर पा रहे, तो कंपनी के काफी सारे ट्रेनर है जिनको आप अपने एरिया में इनवाइट करके, उनको स्कूल्स वगैरह में स्कूल से टाइमिंग लेके वहां पे खुद के भी वेबिनार आप प्लान कर सकते हैं। जी जी
ऐसे मल्टीपल चीजें हैं जब आप सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनिंग हमारे साथ में जुड़ते हैं इस ट्रेनिंग के अंदर, और भी आइडिया, क्योंकि मैंने आपको बताया आपकी इनकम से कंपनी की इनकम जुड़ी हुई है सर, इसी वजह से मॉडल आइडियल बना रखा है। करेक्ट करेक्ट, गॉट इट। और कोई सवाल राजेश सर आपका? नहीं नहीं नहीं, मेरा बस जिस सवाल को मैंने आपसे किया था उसका आंसर मुझे लगभग मिल गया है जी। बाकी कुछ चीजें जब हम लोग जुड़ेंगे तभी, बाकी चीजें तो तभी 100%। बाकी ये भी था सर, न्यूमोनिक के ऊपर आप खुद बोले काम कर रहे, बट न्यूमोनिक के ऊपर मतलब और भी ट्रेनर आपने देखे होंगे, राइट? मैं खुद ने 2-3 कंपनियों के नाम बताए थे, ब्रेन्यूड है, तेज दिमाग है, मेंटा स्किल है। मैं आपको नाम लेना चाहूंगा क्योंकि आप इसके अंदर काम कर रहे हैं तो शायद उनको आप जरूर जानते होंगे, डॉक्टर स्नेह देसाई। बिल्कुल जानते हैं सर। हाँ, मैंने उनके साथ कुछ ट्रेनिंग्स ली थी और मैंने थोड़ा सा काम भी किया था उसके ऊपर, बट एक्चुअली मैं बहुत डिटेल में इसमें नहीं जा पाया था तो इस वजह से मैं आगे इसको कॉन्सेप्ट को मैंने ड्रॉप कर दिया। आप डेमो सीख पाए थे सर उनके? जो डेमो देते हैं वो मेरे ख्याल से बहुत कम सीख पाएंगे, राइट? हाँ हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। मैं वही बोल रहा हूँ, नुकसान यही है सर, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में काफी लोग काम कर रहे हैं, हम लोग कमिटमेंट करते हैं। आपको ये जो 2 डेमो थे, नंबर डेमो और कैलेंडर डेमो, बाकी कोई लोग नहीं सिखाएगा कि उनको लगता है कि उनका कोई कॉम्पिटिटर वो लोग खड़ा कर रहे हैं, राइट? जैसे स्नेह देसाई जी जो चीजें करती है, मतलब जो माइंड स्कैनिंग है, जो फेस स्कैनिंग करती है, वो हर कोई नहीं कर पाता, राइट? और उसके पीछे का लॉजिक, वो सिर्फ प्रैक्टिस करा सकते हैं लेकिन आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे उसकी गारंटी नहीं लेते। लेकिन यहाँ मैं अभी आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप फ्रेंचाइजी लीजिए, 4 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग, 2 दिन की ट्रेनिंग ऑफलाइन आए, मैं आपको 100 साल का कैलेंडर, अगर आप यहाँ पे सीख के नहीं जाते हैं मैं आपको जो अमाउंट है वो वापस करूंगा रिटर्न। साथ ही नंबर डेमो का लॉजिक, जिसमें आप अभी 5 लाइन तो नहीं लेकिन 2 से 3 लाइन 2-3 की ट्रेनिंग के अंदर सीख के भी जाएंगे, आपको वीडियो भी शूट करूंगा मैं यहाँ पे। ये अभी तक जितनी भी फ्रेंचाइजी होती है हम सबको सीख, क्योंकि हमारा मेन मॉडल क्या सर, जब तक आप सिखाओगे नहीं, मतलब जब तक आप सीख के सामने डेमो नहीं दोगे, मैजिक नहीं दिखाओगे, लोग आपसे अट्रैक्ट कैसे होंगे, चीजों को कैसे लेंगे, राइट? वो क्या करते हैं कि भाई मुझे बुलाओ, मैं आपके एरिया में आऊंगा, मैं ही जादू दिखाऊंगा, और मेरे जादू दिखाने से लोग दिखे, लेकिन उससे क्या रेवेन्यू लिमिटेड अपन कर सकते हैं। हमारा थोड़ा टारगेट अलग है, हम तो हर किसी को मेमोरी के डेमोस्ट्रेशन सिखाते हैं। अब आप जाओ डेमो दिखाओ और रेवेन्यू कलेक्ट करो जिसमें आप भी अर्न कर रहे हो। हम मल्टीपल ट्रेनर वाला सेगमेंट लेके यहाँ पे चल रहे हैं। राइट 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 राइट, आई डोंट गॉट इट। 100% जी, ये 100% आप 2-4+2 दिन की 6 दिन की कंप्लीट ट्रेनिंग के अंदर आप डेमो को परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए सर, बाकी तो कुछ और क्वेश्चन है बट वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है। तो कोई बात नहीं, आप टीम से 1-to-1 कर सकते हैं, आपके जो भी टीम मेंबर हैं आप चाहे तो मुझे टेलीफोनिक या फिर जूम मीटिंग के ऊपर अलग से बातचीत हम लोग करके कैसे इस काम को बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, आगरा में कैसे, आगरा नहीं आगरा के अलावा भी इसको पूरे एरिया में हम कैसे फैलाएंगे उसके ऊपर मैं बातचीत कर सकते हैं आराम से। श्योर 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 जी, ठीक है जी, मैं आपसे बात करता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलिए और किसी को कोई सवाल है आप लोग यहाँ पे हैंड रेस कर सकते हैं। अभिषेक उपल जी, खुशी प्रिया शर्मा, राकेश कुमार जी, संजय देवड़ा जी, सौम्य चतुर्वेदी जी, सुशील द्विवेदी जी, एक रियलमी 7 प्रो, आप में से किसी का और कोई सवाल है दोस्तों तो यहाँ पे या तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ जो भी आप सवाल करेंगे उसका एक काफी अच्छा आंसर आपको मिलेगा, साथ ही कैसे इस काम को प्रैक्टिकल करके खुद के लिए बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसकी भी मैं आपको यहाँ पे गारंटी देता हूँ। दोस्तों कहीं ना कहीं चीजें बिल्कुल ईजी है, प्रैक्टिकल कैसे कर? जैसे मैंने आपको बिजनेस मॉडल को बिल्कुल ईजी वे में समझाया, सेम इसका काम करने का तरीका भी बिल्कुल ईजी है, वो पूरा गाइडेंस हम आपको देंगे, हाथ पकड़ के कैसे इसको मार्केट में लेके जाना है, कैसे रेवेन्यू निकालना है, वो पूरी ट्रेनिंग आपको मेरी तरफ से दी जाएगी, राइट? दोस्तों कहीं ना कहीं आई थिंक आप किसी को सवाल नहीं है तो मैं सेशन को लगभग यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं और भी कोई डाउट्स है तो सेल्स टीम से भी कॉन्टेक्ट करें, कुछ एडिशनल ऑफर है, उन ऑफर्स का बेनिफिट लेने के लिए अभी आप सेल्स टीम से कॉन्टेक्ट करें और कहीं ना कहीं उस ऑफर को अपने लॉक करें। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते